हेलो दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल पर हमारा और आपका एक बार फिर से स्वागत है और हार्दिक स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम लाने वाले हैं क्या, ला चुके हैं सीरीज फार्मूला प्रूफ की और भौतिक विज्ञान क्लास 12वीं की। आपको मालूम होना चाहिए 12वीं का एग्जाम आ चुका है, 22 फरवरी से आपका पेपर है। नहीं पढ़ेंगे दिक्कतें बढ़ेंगी, पढ़ना है क्योंकि मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है मित्रों। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी चलेंगे पहले वाले चैप्टर को लेकर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फार्मूले आपके सामने आएंगे, पैदो क्षेत्र वाले सभी प्रूफ किए जाएंगे। वीडियो में कंसिस्टेंसी बना के रखो और धैर्य के साथ अपने इत्मीनान से अपनी आंखों को कहीं घुमाना मत और कहीं खाने खाने मत जाना यार। पहले क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद खाना सोना कुछ भी करना, लेकिन पहले कॉपी कलम और दिमाग को अपने पास रखो। शुरू करते हैं मित्रों, लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं वो बात जो आपको जाननी चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2024। एक नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई आस है, नई विश्वास है, नए पंख हैं। बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और जानते हो टॉप करने के लिए बैठाए जाएंगे। और हाँ, याद रखना यह पूरा साल आपके लिए किफायती होना चाहिए। प्रण कर लो, कुछ लेके जाना है, कुछ लेके मतलब क्या, एग्जाम बोर्ड का टॉप करना है, उसके बाद कहीं अच्छे से कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका, एक्सरसाइज भी आते हैं। जो प्रैक्टिस सेट हमारा है लिखे आना, यहाँ पे चैप्टर 1 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 और ओनली फार्मूला क्वेश्चन प्रूफ, यानी कि ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको प्रूवेशन मिलेगा मित्रों। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले पेज पर, और अगले वाले पेज पर है कुछ सवाल और ऐसे लगते हैं ना जैसे पटाखे से कम नहीं सर, क्योंकि जानते हो ना सवाल जब नहीं आएगा तो बम तो लगेगा लगेगा ना जी, और दिमाग उड़ भी जाएगा। दिमाग की मत भी गुल ना हो, इसीलिए हम आपके पास आए हुए हैं ताकि आपको बता सके कि देखो भाई पढ़ाई ऐसे भी होती है। तो यहाँ पे देखो भाई, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और बड़े खूबसूरती के साथ लिखने वाले लिखा है, तो आप उसको बड़े खूबसूरती साथ पढ़ भी लीजिए ना। लिखा है, किसी पैदु द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर पैदु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मित्रों बहुत आसान सी बात है, पहली बात जानेंगे पैदु द्विध्रुव होता क्या है मित्रों। तो पैदु द्विध्रुव के बारे में बात किया जाए ना, तो दो समान और क्या होता है, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही निकट दूरी पर रखे गए होते हैं, ये जो बड़ा सिस्टम है ना वो कहलाता है पैदु द्विध्रुव कहलाता है। और यहाँ पे मिड पॉइंट मानेंगे, सब दूरियां यहाँ से ले जाती हैं और यह एल है और यह एल, यानी कि बेटा जो द्विध्रुव की लंबाई है वो 2L मानी जाती है, ताकि हमारा जो फार्मूला है आसानी से प्रूफ हो सके। और कह रहा है इसके अक्षी वाले में, यानी कि इसको मिलाने वाली रेखा के किसी पॉइंट पी पर आपको निकालना है पैदु क्षेत्र का मान। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ई एट पॉइंट पी क्या होगा मित्रों। अब यहां देखो भाई, इसको मान लो पहला वाला है, ये मान लो दूसरा वाला है, और जान तो ये मान लो यहां से r दूरी पर है, ठीक है ना, यही आपको निकालना है r दूरी पर, यानी कि पैदु द्विध्रुव से r दूरी पर कोई पॉइंट p है, वहां पे आपको तीव्रता का मान निकालना है। तो यहां देखो भाई, हम बोलेंगे अच्छा पहले वाले आवेश की वजह से बनने वाला क्षेत्र वहां क्या बनेगा, e बराबर क्या होता है k और q बटे क्या r का स्क्वायर। तुम बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या होने वाली है, तो मैं बताऊं पूरा r है, l निकाल दो तो क्या आएगा, r माइनस l आएगा। तो हम बोलेंगे r माइनस l का स्क्वायर, क्योंकि बिंदु आवेश q की वजह से r दूरी पर तीव्रता k के ऊपर r स्क्वायर होती है। और हम बोलेंगे एंड, एंड क्या बोलेंगे बोलो, ई टू का मान क्या आएगा, ई टू का मान यहां से निकालना पड़ेगा ना, तो के और Q अपान क्या मित्रों, ये जानते हो क्या आएगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या आएगी, L प्लस R, यानी कि यहां पे आएगी R प्लस L का स्क्वायर आएगा। और ध्यान देना प्लस वाले से बाहर की ओर जाएगा ए वन है, और नेगेटिव वाले से अंदर की ओर आएगा आपका E2 है, ठीक है ना जी, कोई बात नहीं, E1 भी निकल गया आपका, E2 भी निकल गया।
अब निकालना है नेट क्या होगा, हम बोलेंगे जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा। अच्छा बोलो बड़ा कौन सा वाला होगा, जिनकी दूरी न, जिनकी दूरी कम होगी वो बड़ा होगा, क्योंकि के क्यू अपन आर का स्क्वायर, अगर आर कम होगा तो ई का मान ज्यादा होगा मित्रों, तो जान तो ई वन का मान ज्यादा है और ई टू का मान कम है, घटा लो यार, यानी परिणाम ही बाहर ही जाएगा। और जान तो क्या बोलेंगे, देखो ई वन का मान क्या है बोलो, के क्यू अपान क्या R माइनस एल का स्क्वायर, और E2 का मान क्या है बोलो, के क्यू अपान क्या बोलो R प्लस एल का स्क्वायर, दोनों में कॉमन के क्यू ले लो ना मित्रों, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आप गुणा करेंगे R प्लस एल का स्क्वायर आएगा और माइनस क्या आएगा, R माइनस एल का स्क्वायर आएगा अपान जानते हो क्या आएगा, R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर आएगा मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं क्या कहता है आगे। तो इसके आगे मित्रों हो जाएगा इक्वल टू बन जाएगा के क्यू, और मैं आपको बता दूं ना, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में होता है मित्रों आपका जोड़ना होता है और एक कोष्टक में घटाना होता है, तो R प्लस एल माइनस आर प्लस एल आएगा है ना, और होल का अपान क्या, देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा ये आपका आएगा R माइनस एल और क्या R प्लस एल स्क्वायर निकाल के यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ये टोटल आपका आ जाएगा बराबर आपका आएगा के क्यू आएगा, और यहाँ देखो एल से एल कट जाएगा तो टू आर आएगा, और आर से आर कटेगा तो टू एल आएगा, होल का अपान देखो यहाँ पे घटाना जोड़ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ देखो भाई यहाँ पे टू के क्यू, और देखो भाई यहाँ पे भी टू के क्यू निकल गया ना, एक टू और बचेगा और आर इंटू एल भी बचेगा, के क्यू था आई एक दो बाहर निकाल लिया और यहाँ पे दो आर एल बचा हुआ है अपान क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम बोलेंगे यदि, यदि क्या बोलेंगे, एल बहुत छोटा है आपका आर से, क्योंकि है अभी अरे भाई छोटा सा प्यादे जैसा है, आर बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा तो हम बोलेंगे बराबर जो ई नेट आएगा ना वो क्या आएगा जानते हो, ये देखो पहली बात ये जान लो, यहाँ पे बात जान लो ए टू के इंटू जानते हो क्यू इंटू है टू एल पकड़ लेंगे और यार यहीं पर रहने दो, और जानते हो एल बहुत छोटा है तो लगभग जीरो के बराबर होगा, ये जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पर फोर आएगा, एक आर से आर कट जाएगा, और अगर मित्रों आपको सहूलियत से पता हो तो जानते हो क्यू इंटू टू एल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और अपन आर क्यूब बचा हुआ है, ये फार्मूला आपका प्रूफ होता हुआ, और याद रखना कहाँ से कहाँ, ध्यान दो ई वन बड़ा है ई टू छोटा है, मतलब परिणामी आगे जाएगा माइनस से प्लस की ओर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, माइनस से प्लस होती है, वही बोलेंगे हम बोलेंगे माइनस से प्लस की ओर। और मित्रों पहला वाला फार्मूला आपका प्रूफ होता हुआ, देख लो आराम से, आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट और मैं चलता हूँ अगले वाले फार्मूले पर, क्योंकि मैं इसको उड़ाने जा रहा बम से। तो देखो मित्रों अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला वाला बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। बहुत आसान सवाल है यार, इतना आसान सवाल मिल रहा है आज मैं क्या बताऊं, फिर से वही हाल बताएंगे, ए क्या है आपका, ए आपका है क्या वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे सेंटर है आपका, और जानते हो ये अभी एल और ये अभी एल, और कहा यह जा रहा है ना, देखो जान से ए कुछ ऐसा बन गया, निरक्षी वाला कंडीशन यही है, यानी कि इससे 90 डिग्री पे, और यहाँ पे मान लो आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है मित्रों, आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है और आपको तीव्रता यही निकालनी है, तो हम बोलेंगे ज्ञात करना है, क्या बोलेंगे बोलो, ज्ञात करना है क्या ई नेट एट पॉइंट पी क्या होगा, ई नेट एट पॉइंट पी क्या होगा मित्रों। कोई बात नहीं यार, देखो ध्यान से, हमने कहा ना सब दूरी सेंटर से ले जाती है, तो सेंटर से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है उसी पर निकाला तीव्रता, पहली बात तो ये निकालो इस वाले आवेश से यह कितना दूर है, तो अगर मैं बताऊं तो इस वाले आवेश से दूरी क्या आएगी मित्रों, ये आएगी देखो ए आपका लंब है, ये आपका यहां से आधार हो गया एक कर्ण बनेगा, ये आपका आएगा कर्णी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, और वही हाल यहाँ भी आएगा कर्णी में एल स्क्वायर प्लस क्या बोलो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, इसकी वजह से तीव्रता आगे जाएगी, ध्यान देना इसकी वजह से तीव्रता कहां जाएगी बोलो आगे जाएगी, ये मान लो पहला वाला है ये दूसरा वाला है, ये मान लो ई वन हो गया, इसकी वजह से तीव्रता इधर अंदर आ जाएगी, ये आपका मान लो ई टू हो गया, ठीक है ना, तो पहले निकालेंगे ई वन और ई टू, पहले निकालेंगे ई वन का मान क्या होगा, ई वन बराबर क्या के
और Q अब बटे क्या इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करोगे ना, ये आपका आएगा KQ अपान क्या आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। और सेकंड क्या निकालना है, सेकंड आपको निकालना है मित्रों E2 बताओ क्या होगा, दिशा देखना प्लस वाले से दूर की ओर जाता है, नेगेटिव वाले की ओर आता है ना, तो यहाँ पे KQ और अपान क्या आएगा, ये भी वही सॉल्व करने पर आएगा ना, कोई बात नहीं मित्रों, ये हो गया यहाँ तक। लेकिन दिशाएं बदली हैं, दोनों परिमाण में खाली समान है बस, और जहां तक परिमाण में समान है तो यह बीचों बीच जाएगा मित्रों। अगर मान लो परिमाण में समान है तो उनका परिणामी कहाँ जाएगा, बीचों बीच जाएगा, ये आपका ई नेट हो गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और जानते हो एक बात मैं अगर आपको छोटा सा बता दूं ना, अगर यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर दी जाए तो ई नेट का मान क्या आएगा, यहां देखो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ई नेट बराबर क्या होता है, ये तो हमको भी नहीं पता सर, लेकिन जानते हो यहाँ पे पॉइंट पी है, और देखो यहाँ पे आपका ये 90 जा रहा है, और ये मान लो ये आपका ई नेट वाला लाइन ए है, और जानते हो ई नेट वाला लाइन ए है, और ये वाला मान लो ई वन यहाँ जा रहा है, और जानते हो और E2 आपका मान लो यहां जा रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा मान लो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाए, ये वाला भी जो एंगल है आपका ना वो भी आपका थीटा ही होगा, एक बात ध्यान देना मित्रों। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एकांतर कोण के नाते वाला भी एंगल क्या होगा, वो थीटा होगा। और जानते हो अगर दोनों का परिमाण समान चल रहा है तो दोनों के परिमाण समान होने के नाते जब परिणामी बीचों बीच जाएगा तो ये भी आपका थीटा आएगा, कोई बात नहीं। एक थीटा को मान के काम कर लो, क्या करना, ए भी थीटा है और जानते हो आपका ए भी थीटा है, इनके आएंगे दो घटक E1 के, इधर वाला आएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और एक इधर आएगा E1 sin थीटा आएगा, कोई बात नहीं है। और जानते हो इनके दो घटक आएंगे, एक इधर आएगा E2 cos थीटा आएगा, इधर क्या आएगा E2 sin थीटा आएगा, और हालांकि दोनों परिमाण में समान है ना मित्रों, तो ए और ए कट जाएंगे, हम बोलेंगे जो इसलिए ई नेट आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा E1 cos थीटा प्लस क्या बोलो E2 cos थीटा आएगा मित्रों। और ध्यान देना परिणामी कहां जा रहा है, प्लस से माइनस, उस वाले से अपोजिट हो रहा है इस बार। यहाँ पे आप देख लो cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा E1 प्लस E2 आपका आएगा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और जानते हो आधार आपका इस बार देखो L है और कर्ण A है, तो L बटे क्या आएगा, L अपान आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। और E1 का मान क्या मित्रों, ये आपका KQ अपान क्या बोलो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बोलो KQ अपान क्या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रहे, यहाँ पे अगले वाले पे मित्रों ये जो आपका आने वाला है ये क्या है बोलो L अपान क्या, इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1/2। और जानते हो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर समान जुड़ जाएगा तो 2KQ आएगा अपान जो है यहाँ पे ना L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा, पावर क्या आएगा 1 आएगा। और जानते हो यहाँ पे आने को भाई 2 ध्यान देना, और यहाँ पे 2 आगे अभी यहाँ 2 रहने दो मित्रों, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। यहाँ देखो यहाँ पे K रहने दो और यहाँ पे क्या है Q रहने दो और 2L को पास कर दो अपान। यह देखो अगर आधार समान है तो घात जुट जाएंगे, एक और आधा डेढ़ होता है तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पे घात 3/2 आ जाएगा आपका। और हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे यदि 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 L बहुत छोटा है आपके R से, अगर जो L है आपके R से बहुत छोटा है तो L नगण्य मान लेंगे, तब हम जो बोलेंगे ना जो E नेट आपका आएगा वो देखो K इसका मतलब होता है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपान क्या। अब देखो ये आपका L खत्म हो जाएगा मित्रों, R बचेगा तो R क्यूब बचेगा बस, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और ये देखो आपका वेक्टर जो E नेट आया है ना KP अपन R क्यूब, यानी कि वहां पे 2 गुना आ रहा था, यहाँ पे वही 2 हट गया है, KP अपन R क्यूब आता है। और जानते हो कहां से कहां प्लस से क्या बोलेंगे बोलो, प्लस से माइनस की ओर आता है। और ये वाला भी हमने खत्म कर लिया। और जानते हो छोटा सा यार फार्मूला था, और लेकिन हाँ 5-5 नंबर के सवाल जब लगाने को आएंगे तो लगाना तो पड़ेगा ना, बैठते बैठते कुछ मिलने वाला वैसे भी नहीं है, बैठने से खाली एक चीज मिलती है, वो जानते हो क्या मिलती है, सोचो क्या मिलती है बैठने से यार, बैठने से आपकी बुद्धि में कमी आती है और वही कमी आपको मिल जाती है। तो अब देखो सवाल नंबर अगला क्या बोलता है, वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है। मित्रों कोई बात नहीं यार, हम सूत्र स्थापित भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। एक रहा है वैद्युत क्षेत्र है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बोलता है ना मित्रों, यहाँ पे कहता है डाइपोल है, कोई बात नहीं है। यहाँ प्लस वाला क्यों, यहाँ माइनस वाला क्यों है मित्रों, है ना जी। और जानते हो दिशा कहाँ जा, कहाँ कहाँ माइनस से प्लस की ओर जाती है, ठीक है ना। और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे थीटा एंगल पर रखा हुआ है, और जानते हो इमाउंट थीटा वन पे रखा हुआ है मित्रों, कोई बात नहीं यार। अगर आप इनको घुमाओगे ना तो ध्यान देना, घुमाने में मतलब मान लो आपने इसको यहाँ ला दिया, माइनस क्यू यहां हो गया, प्लस क्यू यहां, यानी कि थीटा वन से थीटा टू आपने कर दिया, तो अचानक काम नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम है ना वो क्या थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और थीटा पर डिपेंड करे तो वेरिएबल होगा। तो हम छोटा सा घुमाने पर कहेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या, और घुमाना कौन सा वाला है, रोटेशन वाला है, तो हो जाएगा टाउ इंटू क्या बोलो डी थीटा, यानी कि कार्य बराबर क्या बल गुणा विस्थापन। ये काम देखो रोटेशनल वर्क है, मतलब रोटेशनल आपका फोर्स लग रहा है, और विस्थापन भी कौन सा वाला एंगल वाला वही रहेगा हमारा यार। तो हम क्या बोलेंगे डी डब्ल्यू करते कर समाकलन कर लेंगे, और क्या कर लेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या टाउ इंटू क्या डी थीटा, और कहां से कहां घुमा रहे हो, थीटा वन से थीटा टू घुमा रहे हो, ये डब्ल्यू बन जाएगा, समाकलन डी से खत्म हो जाता है। तो टाउ का फार्मूला क्या है मेरे मित्रों, टाउ का फार्मूला है पी साइन थीटा, है ना जी, और यहाँ पे क्या डी थीटा। और जानते हो पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू टू एल, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का समाकलन हो भी नहीं करता है, पी बाहर आ जाएगा, ई आपका कॉन्स्टेंट है जो वैद्युत क्षेत्र है वो अभी आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा का बताओ समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, और थीटा वन से कहां थीटा टू तक जाना पड़ेगा, हम बोलेंगे इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या पी बन जाएगा। और अगर यहां देखा जाए तो जानते हो क्या बनेगा, एक बार थीटा के प्लेस पे आएगा तो माइनस कॉस थीटा टू, और यहां पे जानते हो ए प्लस बन जाएगा, क्या कॉस थीटा वन, क्यों प्लस बन गया, एक माइनस इसका है और एक खुद लग जाता, मतलब कि यहाँ माइनस लगता और एक इसका लगाना पड़ता, दोनों प्लस बन जाता। तो हम बोलेंगे इसलिए डब्ल्यू आया ना, डब्ल्यू बराबर क्या पी, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, फार्मूला आपके पास चला गया, और देखो खत्म कर लिया हमने मित्रों। और मैं बताया ना कि बहुत छोटे छोटे काम है यार, मतलब आपको करना है क्या है, थोड़े से रोटेशन में थोड़ा सा काम होगा, वही पकड़ समीकरण को पकड़ के समाकलन कर दो, हो जाएगा इसका, आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। पांच नंबर वाला काम अपने कर दिया फिर से, और हम चलते हैं अगले वाले बेटा क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर फोर है, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, या गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, लगने यहां वाले रहेगा, बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो गॉस के नियम से कूलाम का चाहे वैद्युत क्षेत्र बोल दो यार, क्या बात एक ही तो है, जैसे मान लिया जाए सॉल्यूशन में आते हैं मित्रों, जानते हो क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश क्यू है, तो गौस आप क्या बोलते हैं, पहले आप बनाएंगे लूप, बनाएंगे बढ़िया सा 3D वाला लूप बन जाएगा। अब हमको जो आप पता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, गौस आपका नियम पढ़े जानो कि फाई टोटल बराबर क्या होता है, फाई टोटल होता है क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, गौस आपका नियम है समीकरण नंबर एक मान लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फाई टोटल निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट उन्हें पकड़े छोटा सा, इसकी वजह से यहाँ तीव्रता ई यहाँ जाएगी, कोई बात नहीं है। और जानते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, छोटा सा होगा, डी फाई। मान लो कोई पॉइंट पी है, किस पॉइंट पी पर कितना आएगा, ई इंटू क्या डी ए आएगा, यही ना आएगा, दोनों पक्षों समाकलन का तो टोटल निकल जाएगा यार, टोटल अगर निकालेंगे फाई पी तो कितना आएगा, ई देखो ई बाहर जा रहा है और 3D मटेरियल बाहर जाता है, लंबवत होता भी है, तो बेटा दोनों कास 90 बन जाएगा। और एक बार जान रुक जा रुक, नहीं कास 90 कहाँ बनेगा, एरिया ही बाहर जा रहा है, छतरी बाहर जा रहा है, जीरो बन जाएगा ना, तो ई और यहाँ पे डी ए का जीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना जी। और ये बन गया टोटल, एक कट जाएगा, ए फाई पी आ जाएगा, मतलब फाई ये टोटल का आ गया, समाकलन की हो ना, ए फाई टोटल का आ गया मित्रों।
यहाँ पे एक बाहर निकल जाएगा और डी ए डी ए डी ए डी ए कुल एरिया गोले के एरिया क्या होता है, त्रिज्या मान लो आर है तो ए एफ आई टोटल यहां से पकड़ो क्यू इन साइड बटे क्या एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे ई गुड़े इसका क्या चार पाई आर का स्क्वायर, एक गोले का बाहर का जो एरिया वह पृष्ठ वाला वही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं बच्चा तो आएगा ई बराबर क्या आएगा क्यू इन साइड अपान क्या आने वाला यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या है चार पाई आर का स्क्वायर है ना जी। यहाँ पे आ जाएगा आपका ई बराबर क्यू इन साइड अपान चार पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये आपके वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकल गया है ना जी। किसी भी पॉइंट पर यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा ये क्या आएगा किसी पॉइंट पर ले लेंगे कॉन्स्टेंट ना है तो ई बराबर ऐसे ले सकते हो क्यू इन साइड अपान क्या चार पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बोलेंगे आर बोलेंगे आर स्क्वायर बोल देंगे कोई बात नहीं है। अच्छा मान लो अब यहाँ पे हर एक पॉइंट बी का मान आ गया, अब मान लो यहाँ पर कोई अब बिंदु आवेश क्यू नॉट रखा हो तो अब जानते हो ना यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है बोलो क्यू ही होता है कोई बात नहीं। यहाँ पे हो गया क्यू नॉट तो क्यू नॉट गुड़े ई का मान क्या है क्यू अपान क्या चार पाई एफ एल नॉट आर का स्क्वायर और यहाँ पे एफ बराबर जानते हो क्या आएगा यहाँ पे जो आएगा एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट देखो क्यू वन और क्यू टू बटे आर का स्क्वायर कूलाम साहब का नियम यहीं से तो आता है एफ बराबर क्या के इंटू क्यू वन क्यू वन आपका अंदर वाला है क्यू टू आर क्यू नॉट वाला बाहर वाला बटे आर का स्क्वायर। तो आपने पहले गौस साहब के नियम से क्या निकाला वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र का मान जो निकला लगने वाला बल एफ बराबर क्यू ही होता है, नहीं कहा मान लो यहाँ पे कोई क्यू नॉट रखा हुआ आवेश रखा हुआ है तो दोनों के बीच लगने वाला बल एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर का स्क्वायर ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहां से आप ध्यान देंगे गौस साहब की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन तो हमने कर लिया आराम से और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है देखो 18 में 20 में 23 में पूछा गया है तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ लिए होंगे बढ़िया से। पहले आप फाई टोटल निकाल लीजिए फार्मूले पे बेस्ड उसके बाद यहाँ पे आप निकाल लीजिए और हर एक पॉइंट पी का मान सेम आएगा तो हर एक पॉइंट पे लगने वाला बल का मान सेम आएगा कूलाम साहब ने वही कहा था। मित्रों अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन कहता है ना कि गौस के नियम का उपयोग करके अंत लंबाई के पतले सीधे समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए। कोई बात नहीं सर करते तो हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है मित्रों ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कोई एक समान ए लंबा आवेशित तार है कोई बात नहीं सर और जानते हो यहाँ पे हम बोलेंगे जो आवेश घनत्व लैम्डा है हम बोलेंगे दिया है या क्या बोलेंगे माना कि तार पर आवेश जो घनत्व है ना तो यहाँ पे बोलेंगे रैखिक क्या बोलेंगे बोलो रैखिक आवेश जो घनत्व है मित्रों वो आपका लैम्डा है। लैम्डा माने क्या एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा और यहाँ पे हमको मान लो आर दूरी पर क्या निकालना है बोलो आर दूरी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे क्या गौस बना लेंगे गौस आपका पृष्ठ बना लेंगे ऐसे बन जाएगा ये पहला वाला पृष्ठ है दूसरा वाला पृष्ठ तीसरा वाला पृष्ठ है दूसरे वाले पृष्ठ का वेक्टर एरिया ऊपर जाएगा इसका नीचे जाएगा है ना जी। और ध्यान देना हम बोलेंगे आगे वाली कहानी में क्या इसकी लंबाई मान लो हमने L मान ली है ठीक है ना लंबाई L मान ली है और देखो हर प्लस वाले से तीव्रता कहाँ जाती है बाहर जाती है तीव्रता कहाँ जाती है बोलो बाहर जाती है तीव्रता कहाँ जाती है बोलो बाहर जाती है। तो हम पहले क्या बोलेंगे पहले बोलेंगे गौस साहब के नियम से क्या जो फाई टोटल होता है ना वो क्या होता है क्यू इन साइड अपान क्या बोलो एप्सिलॉन नॉट होता है कोई बात नहीं। अच्छा बताओ जरा इसके अंदर कितना आवेश है तो हम बोलेंगे अगर एकांक लंबाई में लैम्डा आवेश है एल लंबाई में कितना आएगा एल लैम्डा आवेश आएगा एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट यानी समीकरण नंबर एक बन जाएगा। एंड हम बोलेंगे दूसरा तरीका क्या है हम बोलेंगे जो फाई टोटल बन रहा है ना मित्रों वो देखो फाई वन पहले वाले पृष्ठ के नाते बन रहा है एंड फाई टू दूसरे वाले के नाते एंड फाई थ्री तीसरे वाले के नाते तो पहले वाले में क्या बन जाएगा ये क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ना ई डी ए कॉस थीटा यहाँ भी और यहाँ भी क्या ई डी ए कॉस थीटा और हर एक पॉइंट पर ई का मान समान आएगा और यहाँ भी क्या
EDA cos थीटा, लेकिन जानते हो दूसरे और तीसरे में थीटा का मान 90 डिग्री है, दूसरे तीसरे में थीटा का मान क्या है बोलो 90 डिग्री यहाँ भी है 90 यहाँ भी है, cos 90 का मान जीरो कट जाएगा तो ये कितना आएगा E कांस्टेंट है cos जीरो, इसका देखो इस वाले में वेक्टर एरिया आगे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे जाएगा cos जीरो आएगा, तो DA क्या cos जीरो का मान एक होता है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर मान लेंगे दो हो गया, तो बोलेंगे समीकरण नंबर एक व दो से क्या बोलेंगे एक एंड क्या बोलो दो से अगर देखा जाए ना तो आपका आएगा एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या ई और डीए डीए डीए, देखो यहाँ डीए काटा गया है तो डीए 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 पूरा कितना आएगा, ये होता है आपका कैपेसिटी मतलब जो होता है ना वो क्या होता है टू पाई आर एल, ये बन जाएगा टू पाई आर एल, एल तो एल कट जाएगा तो ई का मान क्या आएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई आर, यानी जो वैद्युत क्षेत्र का मान है मित्रों वह आपके दूरी आर पर डिपेंड करती है, अगर मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर है तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये हमारा हो गया सवाल नंबर क्या पांचवा भी निकल गया हमारा, तो हमको करना क्या था और हमको करना ही था ना जी, क्या करना था लैम्डा मानना है, लैम्डा मान लेंगे काम चल जाएगा, बिना लैम्डा मानने काम नहीं चलेगा। माना गया है कि तार के एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा है क्यू है और इसी को लैम्डा मान लिए हो, तो एक बार फाई टोटल गॉस साहब का नियम सीधे लगा लो, एक बार फाई टोटल पूरा निकाल लो, दोनों कंपेयर कर दोगे मैच करोगे तो आपको मिलेगा ई बराबर लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आएगा, फार्मूला आपका यही है। तो देखा ना हमने खत्म कर लिया पूरा, इसको ले लो स्क्रीनशॉट में, और ये पांच जो फार्मूले मित्रों बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले मतलब कि आपके सामने आए हुए हैं, इसके बाद कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो तुमको आए ना और जानते हो पढ़ोगे तो आएगा, और हाँ ये है सीरीज हमारा फार्मूला प्रूफ वाला, तो फिर करना क्या है यार, ये पहला वाला हमने खत्म कर लिया, अब चलते हैं लेकर के आपको अगले वाले पेज पर जहां पे आपको मिलेगा एक सवाल और आपको खूबसूरती से देना होगा इनका जवाब। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, सवाल लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, तो पहली बात तो ये है मैं सॉल्यूशन तो दोस्तों कर ही दूंगा, लेकिन जानते हो पहले आपको बता दूं डाइपोल क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो कुछ दूरी पर बहुत ही कम दूरी पर ये रखे गए क्या है बोलो आवेश है, आवेश क्या समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के होते हैं, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी पर रखे गए होते हैं तो इनसे बनने वाला जो निकाय है वह द्विध्रुव कहलाता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और जानते इसका मिड पॉइंट है ए वाला दूरी एल और ए भी क्या मान लेंगे बोलो एल मान लेते हैं, ठीक है ना, एल और एल मानने का पर्पज यह है कि आपको फार्मूला प्रूफ में आसानी होगी मित्रों। तो जानते हो क्या होने वाला है, कह रहा है कि इनकी अक्षी वाले स्थिति में आने क्या इनको जो लाइन मिला रही है उसी लाइन पर कोई पॉइंट यहाँ पी ले लिया गया है और आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा। तो एक बात मैं आपको और बता दूं मित्रों ना, फार्मूला एक काम करेगा, और हाँ यहाँ से आर दूरी पर है समस्त दूरियां आपके द्विध्रुव के सेंटर से नापी जाती हैं, सभी दूरियां आपके वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से नापी जाती हैं। यहाँ देखो भाई हम एक बात और आपको बता देना, कोई मान लो बिंदु आवेश क्यू है, इससे आर दूरी पर जो बनने वाला विभव होता है ना वो कितना होता है के क्यू बाई आर होता है मित्रों। अब देखो भाई कोई बात नहीं, चिन्हों के साथ क्यू का मान अगर प्लस का है तो प्लस रखेंगे और अगर है माइनस का तो रखेंगे माइनस। तो चलते हैं देखते हैं, ये मान लो पहला वाला आवेश है और ये वाला मान दूसरा वाला आवेश है। एक बात आपको और मालूम चलना चाहिए, विभव एक अदिश राशि है तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रखा जाएगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे पहली बात तो यह है, हम बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पहला वाला चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पहला वाला चार्ज के क्यू अपान क्या। अब बताओ यहां से दूरी कितनी है, पूरा दूरी आर है, यल निकाल दो तो क्या बचेगा R माइनस एल बचेगा मित्रों। समीकरण नंबर एक बना लो, एंड दूसरे वाले में अगर बताया जाए यहां आते हैं मित्रों, तो दूसरा वाला क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सेकेंड, सेकेंड के नाते जो बनेगा ना वो क्या बनेगा एक के बनेगा और चिन्ह कैसा माइनस क्यू लग जाएगा ना,
अपान। यह दूरी आपको बतानी यहां से कितनी है मित्रों, ये आर है और ये एल है, तो ये आपका आएगा आर प्लस एल आएगा। समीकरण नंबर दो हम बोलेंगे इसलिए जो वी नेट आएगा वह इन दोनों महाशयों की वजह से आएगा। दोनों महाशय ऐसे बोलते हैं VP1 VP2 लगा देंगे यहाँ पे, चिन्हों के साथ जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले की वजह से जो आएगा वो आएगा KQ/R, क्या बोलो, R-L आएगा, और दूसरे वाले से क्या आएगा माइनस का KQ/R, क्या बोलो, R+L आएगा। अब चलते हैं यहां से मित्रों, हम बोलेंगे या जो भी आपका नेट आएगा ना किस पॉइंट P पर, तो हम क्या बोलेंगे KQ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे तिरछी तिरछा वाला, तो ये आ जाएगा R+L और यहाँ जाएगा तो -R+L आएगा होल का अपान है। जो जब ये वाला गुणा करोगे ना, एक कोष्ठक में जोड़ना और एक में घटाना, तो R²-L² आएगा, R से R कट जाएगा, तो वी नेट एट पॉइंट पी जो आएगा ना मित्रों KQ × क्या 2L बन जाएगा अपान क्या R²-L² मित्रों। और जानते हो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुवा गुण है, स्मॉल p बन जाएगा R²-L² बन जाएगा। हम बोलेंगे यदि जानते हो L बहुत छोटा है R से, होता भी है R इतना बड़ा, L कहा छुट्टी सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे तब जो V नेट आएगा वो आएगा KP/R, क्या बोलो R² आ जाएगा मित्रों, और L आपका लगभग जीरो बन जाएगा, जीरो के स्क्वायर जीरो आता है। ये हो गया आपका अच्छी वाले कंडीशन में विभव का फार्मूला, VP बराबर क्या KP/R² होता है। और अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की ना मित्रों, तो अगर E का बात करें अच्छी वाले कंडीशन में तो 2KP/R³ आया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो पिछला वाला वीडियो हमारा पढ़ाया होगा, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। पर यह जानते हो क्या है, अदिश राशि है मित्रों, यहाँ पे दिशा कोई ना होगी, खाली मात्रक लगा तो बोल्ट हो जाएगा, तो पहला वाला हो गया आराम से यार, बहुत आसान है ना जी। इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले वाले पे, उसके पहले आपको बता दें 14, 15, 16, 18, 17, 20 हर साल पूछा गया है, तो अब चलते हैं अगले वाले पे, आप ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अगले वाले पर मित्रों, अगला वाला जो क्वेश्चन कहता है ना, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव सदैव शून्य होता है। यहां पे डाल दो सदैव शून्य होता है, कोई बात नहीं सर हम दिखाएंगे ना, तो हम करते हैं सॉल्यूशन। निरक्ष पहले बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से निकट दूरी पर रखे गए होते हैं, सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और निरक्षी माने क्या, इनके लंबवत वाले लाइन पर मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी है, हमने बोला ज्ञात करना है, हमने क्या बोला बोलो ज्ञात करना है, क्या निकालना है वी एट पॉइंट पी क्या होगा मित्रों, कोई बात नहीं सर, तो जानते हो ये आपके सेंटर से दूरी नापी जाती है, आर दूरी पर है, और ये एल और ये भी क्या बोलो एल, कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं। ये मान लो पहला वाला आवेश है, ये मान लो दूसरा वाला आवेश है, हम बोलेंगे मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पहला वाला चार्ज, तो क्या होता है यहां से दूरी नाप लो पहले भैया, कितना है कर्ण है ए लंब, ए आधार है, ए लंब है, ए कितना है कर्णी में L² + R² आएगा, तो क्या होता है के प्लस का क्यू प्लस है ना अपान आर, यानी कि L² + क्या बोलो R² ये पहला वाला हो गया। दूसरा निकालो भाई पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सेकेंड, तो यहाँ पे क्या ये दूरी कितनी आएगी, अरे भाई वही तो आएगी, आधार आपका यल है, लंब आपका आर है, तो भाई क्या हो जाएगा कर्णी L² + R² बन जाएगा, तो जानते हो -KQ/R क्या कर्णी में L² + R² बन जाएगा। और हम बोलेंगे इसलिए मतलब वी जो नेट आएगा वो क्या आएगा पहले वाले के नाते और दूसरे वाले के नाते, पॉइंट पी की बात हो रही है पॉइंट पी पर चलेंगे, पहले वाले के नाते क्या +KQ/R क्या √L² + R² और दूसरे
वाले के नाते क्या आएगा, माइनस के क्यू है मित्रों, माइनस के क्यू अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इकट की जीरो आ जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे वी नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू जीरो आएगा, और हमने प्रूव कर दिया, लिखेंगे एच पी मतलब क्या, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका सेकंड वाला मित्रों, बहुत आसान है यार, पॉइंट आवेश की वजह से आर दूरी पर जो बनने वाला विभव होता है ना वो के क्यू अपॉन आर होता है, जहां पे स्मॉल के कूलॉम कांस्टेंट होता है मित्रों। और चलते हैं तीसरे, और ये सब काम एयर या वैक्यूम में कर रहे हैं बेटा हम लोग। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरे के ऊपर। सवाल नंबर तीसरा क्या बोलता है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सवाल नंबर तीसरे के पहले ना चौथा वाला करो, क्योंकि मुझे पता है चौथा वाला कर लोगे तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा। तो चौथे वाले को जरा पढ़ो तो आराम से, ऐसा नहीं कि मैंने भगा दे तो पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा लेकिन चौथा बता के पढ़ाऊंगा, तब तो आपके लिए होगी आसानी। चौथा वाला सवाल आप पढ़िए और बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा वाला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोई बात नहीं सर, इसके लिए पहले व्यंजक का निगमन तो कर लो। अब यहां देखो भाई, कह रहा है मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है बच्चा, है ना, इनके बीच में क्या बोलो एयर या क्या फिर मान लो वैक्यूम है, यानी कि निर्वात या वायु है। अगर आप इनको बैटरी से जोड़ देंगे ना मित्रों, तो जानते हो क्या होगा, ये चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस मान लो आवेश आ गया, यहाँ पे मान लो आवेश निगेटिव वाला आ गया, ठीक है ना जी। ये प्लस वाला आवेश वाला है और ये वाला कौन सा वाला है, ये माइनस वाला आपका है मित्रों। कोई बात नहीं सर, अब जानते हो पहली बात ये जानो, और मान लिया इनके बीच का जो दूरी है वो d है, और जो इनका एरिया है प्लेटों का मान लो a है, इनका भी एरिया a है, इनका एरिया a, बार बार मानना पड़ेगा आपको जब भी सवाल ऐसे आएंगे। और प्लेटों के बीच की दूरी ना मित्रों वो स्मॉल d रखी गई है, और यहाँ पे b वोल्ट का विभव दिए हो, कोई बात नहीं, मतलब कोई हमारा ही नहीं यार। अब यहाँ देखो पहली बात तो बताओ, हम बोलेंगे जो कि प्लेटों के बीच, हम क्या बोलेंगे बोलो, प्लेटों के बीच अगर बात किया जाए वैद्युत क्षेत्र, अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का बात किया जाए ना, तो E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट। और जानते हो यहाँ पे सिग्मा मान लो, सिग्मा प्लस वाला और नेगेटिव का सिग्मा, ये क्या है मतलब इसे बोलते हैं आवेश घनत्व है, किस पर, एरिया के ऊपर। तो इसका मतलब बन जाएगा क्यू अपान क्या बोलो ए एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। चलो यानी कि प्लेटों के बीच का जो आपका मतलब की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। कोई बात नहीं सर, अच्छा तुमने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा मित्रों, क्या पढ़ रखा है, ई बराबर वी बाई डी पढ़ रखा होगा, या फिर हम क्या बोलेंगे वी बराबर क्या ई इंटू डी पढ़ लिए हम लोग, यानी कि प्लेटों का विभवांतर निकाल लाना मित्रों। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा वी इक्वल टू ई का मान यहां से पुट कर लो, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बोलो D पकड़ लेंगे यहां से, कोई दिक्कत यहां अगर आपको नहीं है तो हम बोलेंगे क्या, क्योंकि क्या Q बराबर CV होता है, तो यहां से C बराबर क्या बन जाएगा बोलो Q अपान V बन जाएगा यार, कोई दिक्कत है क्या। यही सी जो C है ना वही है आपके संधारित्र की धारिता होती है मित्रों, तो C बराबर क्या बन जाएगा Q अपान 1 लगा दो, और V का मान क्या बोलो डेल्टा V का मान है यहां से पकड़ लेंगे क्या है क्यू डी अपान क्या बोलो ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट जाएगा तो सी का मान क्या आएगा पहले का चौथा दूसरे का तीसरा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगा। यही हमारा होता है फार्मूला, क्या सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बन जाएगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई बन जाएगा आपका डी। और कहा जाए ना, कह रहा है कि धारिता कैसे बढ़ सकती है, तो हम बोलेंगे अगर दूरियों को घटाओगे तो सी बढ़ेगा, और अगर एरिया को बढ़ाओगे तब भी सी बढ़ेगा, यानी कि प्लेटों के एरिया को बढ़ा दोगे तब भी सी बढ़ जाएगा, और दूरियों घटा दोगे तब भी सी बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर इसके अंदर मान लो कोई के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर दोगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दोगे, तब भी सी धारिता के गुना बढ़ जाएगी, जितना उसका के का मान रहेगा उतने गुना बढ़ जाएगा मित्रों। तो करना है क्या यार आपको, देखो मेरे दिमाग में क्या था, मेरे दिमाग में फार्मूला था यार सी बराबर क्यू अपान वी, तो वी निकालने के लिए हमको ई निकालना पड़ा, ई निकल गया हमारा,
ई निकला तो वी निकल गया, जो भी निकला पुट किया आराम से रख दिया यार, तो सी बराबर क्या ए एफ एल नॉट अपॉन डी बन जाएगा। और एक बात जानते हो इसका मात्रक होता है क्या, बोलो फैराड, है ना जी। तो हमने बता दिया ना, इसको लिख लेना आप लोग क्या इसकी धारिता को बढ़ाते कैसे हैं, इनके बीच दूरी घटा दो, एरिया बढ़ा दो, और क्या इसके बीच कोई मतलब कि के परावर्तक वाला परावर्तक पदार्थ भर दो यार, हो तो जाएगा। ये वाला जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं वही पिछले वाले पे, क्योंकि जानते हो वही पिछला वाला हमारा अंतिम वाला है। अंतिम वाला कौन सा, यही वाला मित्रों, याद रखना ये आपके सामने सवाल जो आ रहा है ना, ये बहुत खूबसूरती के साथ आ रहा है, जिसका नाम क्या है बोलो, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताना है मित्रों। तो हमने क्या बोला, मान लो हमारे पास है क्या बोलो कोई संधारित्र है ना, और यहाँ मान लो प्लस वाला आवेश है, और यहाँ क्या मान लो निगेटिव वाला आवेश है। तो हम बता दें यहाँ पे कह रहा है मान लो कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। हमने बोला इनके टोटल जो बीच की दूरी है ना मित्रों, वो मान लो क्या है बोलो डी है, और परावर्तांक इनका मान लो के है मित्रों, ठीक है ना जी। एरिया मान लो प्लेटों का ए है, प्लेटों का एरिया आपको मानना पड़ेगा, माना प्लेटों का एरिया ए है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, जो परावर्तक पदार्थ हमने लिया उसका परावर्तांक के है, इसे मानना पड़ेगा यार। और जानते हो इसकी मोटाई मान लो टी है, कोई बात नहीं सर। और जानते हो एक बात और, ये दूरी क्या आएगी टोटल डी, और एटी तो क्या आएगा डी माइनस टी आएगा। अच्छा ये क्या है, ये वाला तो आपका पदार्थ हो गया, ये आपका है वायु या फिर क्या बोलो निर्वात, वायु या फिर क्या बोलो ये निर्वात है मित्रों, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे निकाल दो कोई प्लेट वगैरह, तो अब क्या करना है कोई बात नहीं। देखो पहली बात ये है, अच्छा बोलो इसको मान लेंगे दो संधारित्र हमारे पास है, क्या मान लेंगे हमारे पास दो क्या है बोलो संधारित्र है मित्रों, कौन कौन से, एक एयर वाला और एक परावैद्युत पदार्थ वाला। तो पहला वाला हम मान लेंगे वायु या निर्वात वाला है, वायु या क्या बोलो निर्वात वाला है, और दूसरा वाला है क्या बोलो मित्रों, दूसरा वाला आपका मतलब परावैद्युत पदार्थ वाला है। और दोनों को देखा जाए ना तो लाइन से जुड़े हैं, तो लाइन से जुड़ने के नाते ना हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में है, दोनों किस क्रम में है बोलो श्रेणी क्रम में है। और अगर दो लोग मान लो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जानते हो वन अपान सी नेट का फार्मूला क्या होता है, वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का फार्मूला है मित्रों। तो हम बोलेंगे या हम जो बोलेंगे सी नेट बराबर क्या बन जाएगा, दोनों का गुणा बटे दोनों का क्या बोलेंगे बोलो योगफल। अच्छा बोलो जरा ध्यान से बताना, पहला वाला एयर में है, अभी पीछे पढ़ क्या ए एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ क्या बोलो ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या उनके बीच की दूरी, यहाँ पे लग जाएगा डी माइनस टी लग जाएगा मल्टीप्लाई भाई, सी टू वाला पकड़ लो भाई क्या लग जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान इनकी दूरी क्या बोलो टी है, और परावैद्युत पदार्थ होने के नाते ना यहाँ पे के गुना बढ़ जाएगा मित्रों, ठीक है ना अपान। अरे भाई पीछे पढ़ के आए हो क्या, जो सी नेट का फार्मूला होता है वह ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी होता है ना जी, यानी कि प्लेटों का एरिया एप्सिलॉन नॉट बटे उनके बीच की दूरी, और अगर के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो के गुना बढ़ जाएगा ना, तो के गुणा कर लेंगे यहाँ से भाई हुआ है मित्रों। अब देखो यहाँ पर यार क्या होने वाला है, फिर ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या के ए एप्सिलॉन नॉट अपान टी बन जाएगा। अब हम बोलेंगे या, क्या बोलेंगे बोलो, अब बोलेंगे या देखो यहाँ पे गुणा चल रहा है यार, तो के ए का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपान क्या डी माइनस टी इंटू टी आ जाएगा अपान। अच्छा नीचे वाले में देखो ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है यार, तो क्या बचेगा वन अपान डी माइनस टी प्लस क्या के अपान टी आएगा, ठीक है ना। या हम क्या बोलेंगे जो सी नेट आएगा ना वो आपका आएगा, देखो भाई ए से ए कट जाएगा इनसे ए कट जाएगा, तो आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट आएगा अपान, देखा जाए तो डी माइनस टी इंटू टी आएगा अपान। अब ये वाला गुणा यहां कर लो, ये वाला यहां कर लो, तो क्या आएगा ए आएगा टी प्लस क्या ए आएगा के इंटू डी माइनस क्या के इंटू टी आएगा होल का अपान क्या डी माइनस टी, और यहाँ पे प्लस क्या आएगा टी, मतलब ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ कर दिया, तो
अब जानते हो ये पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। हम बोलेंगे यार जो सी नेट आएगा ना मित्रों, देखो यार जो सी नेट आ रहा है वो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या टी प्लस के डी माइनस क्या के टी। हम कहते हैं के को नीचे लेके आओ, अगर के नीचे आ जाएगा ना तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या ए टी बाई के बन जाएगा, और यहां से के कट जाएगा डी बन जाएगा, यहां भी टी बन जाएगा। अरे भाई समझो पहले बात को, जैसे मान लो ए के अपॉन बी लिखा है, ठीक है ना, इसे लिख देंगे ए अपॉन वन अपॉन क्या बी अपान के लिख देंगे, यार क्या दिक्कत है। तो बी अपान के हो जाए, देखो पहले का चौथा होता है सेकंड का थर्ड होता है, बात अब भी वही है, लेकिन हमें के को ही पे रहन दिए तो के से सब कट जाएंगे अलग अलग से। तो के इनके नीचे भी आएगा, यहां मैं लगा दे रहा हूं, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो के कट जाएगा। तो हम बोलेंगे या जो सी नट है ना मित्रों वो ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या यहां से कटेगा तो आएगा यहां पे, रुको ए कटेगा तो डी आएगा, ए कटेगा माइनस टी आएगा, और यहाँ पे क्या बोलो प्लस का टी बाई के आएगा, और ये आपका फार्मूला प्रूफ होता हुआ एच पी हैज प्रूव्ड। और जानते हो यहाँ पे कुछ ना हुआ यार, तुम श्रेणी क्रम को पहचान लो, समांतर को पहचान लो, श्रेणी क्रम में एरिया नहीं बढ़ता है, समांतर क्रम में एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना। कैसा ही बोलेगा यार लगा लेना, मान लो यहाँ पे कोई और पट्टी आ जाए जिसकी मोटाई मान लो टी टू रहा हो, पहले वाले का टी वन रहा हो, अगले वाले टी टू रहा हो, तो जो सी नेट आएगा ना वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस का टी वन बाई के वन प्लस का टी टू बाई के टू। यानी कि जो टी वन मोटाई का है उसका जो परावर्तांक अगर के वन है, और जो टी टू मोटाई का है उसका जो परावर्तांक के टू है, तब हो जाएगा। यानी कि डी में से सभी की मोटाई को अलग अलग घटाना है और जोड़ना है सबकी मोटाई में उसके परावर्तांक का भाग करके, तो ये आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चारों जो फार्मूले हैं आपने बेहद आनंद पूर्वक पढ़े होंगे, देखे होंगे और अपना नंबर क्लियर किया होगा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, तुमको पुरानी होगा तुम पुरानी बातें वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन समझ में आया तभी कमेंट करिएगा, इससे हमको मिलती एनर्जी और मिलता ढेर सारा प्यार, तो हम जो काम होता है ना उसी रफ्तार बढ़ जाती है। मित्रों पढ़ना है चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना है, यहाँ पे अच्छे अच्छे फार्मूलों को प्रूफ करना है जो एग्जाम में कई साल यानी कि लगभग हर साल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पीछे के दो चैप्टर के फार्मूलों को प्रूफ कराया जा चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आ जाओ, अगर पढ़ के लिए हो तो भाई कोई बात नहीं यार, इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो देखो पहला वाला सवाल आपके सामने घूम रहा है, फिर रहा है, लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और आगे लिखा है इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। कोई बात नहीं सर, मैं अगर आपको बताऊं ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं। देखो मान लो हमारे पास कोई चालक तार है, कॉपी ले लो कलम ले लो अपने पास रखो, अपने दिमाग को भी अपने पास रखना, वो घूमने चला जाएगा तो मतलब बनने वाला नहीं है। हमने क्या बोला, किसी चालक तार के सिरों के क्रॉस बैटरी जोड़ने पर ए प्लस वाला ए माइनस वाला वैद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस से माइनस की ओर। तो जानते हो बैटरी को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का जो नियत वेग होता है लगभग 10^-5 मीटर पर सेकेंड का औसत वेग है सबके लिए बोला जा रहा है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, वही उसका अनुगमन वेग कहलाता है। मैंने क्या बोला, किसी चालक तार के सिरों के क्रॉस बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो औसत नियत वेग होता है ना, उसी का नाम क्या बोलो, अनुगमन वेग है। कॉपी पे नोट कर लो, और कह रहा है अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का पालन करो। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V अपॉन I इक्वल टू R, जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि नियत होता है। यानी कि ये कहता है ना, अगर मान लो भौतिक अवस्थाएं ताप दाब इत्यादि नियत रहे तो किसी चालक तार में मतलब बहने वाली धारा, या ऐसे बोलेंगे किसी चालक तार के सिरों के क्रॉस दिया गया विभव और धारा का अनुपात नियत होता है। कब, जब मतलब ये तमाम भौतिक अवस्थाएं नियत रहे जैसे क्या ताप दाब इत्यादि, तब V और I का अनुपात क्या होता है बोलो, यहाँ पे दिया गया विभवांतर और इनमा बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है भैया। अब यहाँ देखो, अब हमको करना क्या है,
इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का पालन कीजिए। कोई बात नहीं सर, हम बोलेंगे चूंकि क्या होता है, आई बराबर वीडी यानी वीना होता है। आई बराबर वीडी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए क्या है, चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है। और मान लो चालक तार की लंबाई एल है मित्रों, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे पहले वीडी निकालेंगे, हम बोलेंगे बिकॉज वी बराबर क्या होता है, बोलो यू प्लस एटी होता है। कोई बात नहीं सर, अच्छा बताओ जरा वी क्या है, मतलब बैटरी को लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग है, तो यहां लगा लेंगे वीडी। अच्छा बैटरी जब ना लगी थी बच्चा, तब इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, बोलो जीरो था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग जीरो था सर, जीरो प्लस। अब ए निकालना है, अच्छा बोलो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा होगा, एफ बराबर क्या होता है, बोलो क्यूई, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है तो ई आ जाएगा, एफ बराबर एम ए होता है तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आपका आ जाएगा ई बाई एम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बाई एम और टी माने क्या, टाउ एवरेज। ए आपका हो गया, वी डी का मान हो गया, इसे समीकरण नंबर एक मान लो। इसलिए हम बोलेंगे समीकरण एक से, समीकरण क्या बोलो एक से क्या आएगा, ये आएगा आई बराबर वी डी का मान क्या बोलो, ई बाई एम इंटू क्या बोलो, टाउ एवरेज है और यहाँ पे ई एन ए है मित्रों, तो हम बोलेंगे या क्या आएगा बोलो, या आएगा आई बराबर क्या, यहाँ पे देखो ई स्क्वायर और क्या ई स्क्वायर बन जाएगा कैपिटल क्षेत्र वाला, और एन ए अपान क्या बोलो मित्रों, एम आएगा और यहाँ पे टाउ एवरेज आ जाएगा। कोई बात नहीं सर, जानते हो मैंने कहा एल का गुणा कर दो एल का भाग कर दो, क्या फायदा होगा, देखो बैतु क्षेत्र ई यहाँ वाला और लंबाई एल, ये हो जाएगा विभवांतर वी बन जाएगा, ई इंटू एल वी बन जाएगा, तो या आई बराबर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर वी एन ए टाउ एवरेज अपान क्या बन जाएगा, एम एल बन जाएगा मित्रों, या फिर हम क्या बोलेंगे आई अपान वी, वी को यहां लेके आए आप तो बराबर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज अपान क्या बोलो एम एल, तो हम बोलेंगे या उल्टा कर देंगे मित्रों, तो वी अपान आई बराबर क्या एम एल अपान क्या बोलो ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज, और देखो वी अपान आई क्या बोलो यही होता है आर, आर बराबर क्या एम एल अपान ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज, मेन वाला फार्मूला आपका यही है मित्रों। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना, अब देखो एम क्या बोलो इलेक्ट्रॉन का जो मास है कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एल क्या बोलो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, चालक तार की लंबाई थोड़ी घटेगी बढ़ेगी यार, ई का मान क्या बोलो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और एन क्या बोलो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो अभी नॉर्मल अगर ताप वाप ना बदले ना वो भी नहीं बदलेगा, एरिया बदलने वाला है नहीं, और टाउ एवरेज जानने की क्या श्रांति काल का भी मान नहीं बदलेगा जब तक तापमान ना बदले। ओम ने कहा जाना भौतिक अवस्थाएं को नियत रखना है, तो ताप ताप नियत रहेंगे तो कुछ ना बदलेगा, तो यह ओवरऑल क्या बोलो कॉन्स्टेंट ही तो है, तो नीचे लिखना बच्चा हैंस प्रूव्ड, क्या लिखना बोलो हैंस प्रूव्ड, कहानी चाहो तो लिख सकते हो क्या कि नॉर्मल तापमान पर यानी सामान्य ताप पर जब ताप ना बदले तो सब कुछ कॉन्स्टेंट ही है यार, कोई दिक्कत ना, सामान्य ताप ताप मतलब ना बदले तो सब कुछ कॉन्स्टेंट है, तो आर कॉन्स्टेंट होता है या फिर क्या बोलेंगे वी और आई का अनुपात कॉन्स्टेंट होता है मित्रों। आप पांच नंबर आओगे तो इसको हटा के चलते आगे, लेकिन पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका, एक ही पेज हमने सारा कर दिया है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले वाले पेज के ऊपर मित्रों, अगला वाला पेज कहता है किरचाफ परिपथ के लिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचाफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। अरे भाई दूसरे वाले का देखो सॉल्यूशन, जब आए किरचाफ का लॉ तब जानते हो हम बताते हैं आपको पढ़ने का तरीका क्या है। किरचाफ साहब का पहला वाला नियम क्या है, केसीएल यानी किरचाफ करंट लॉ यानी कि किरचाफ के धारा का नियम, इसको बोलते हैं किरचाफ के धारा का नियम, किरचाफ के धारा का नियम यानी कि क्या किरचाफ का करंट ला। हमारे बच्चों को परेशान करने आए थे यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, तभी तो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे ना। ये बोलता है किसी मान लो बोलते हैं किसी परिपथ में संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा, संधि क्या होता है जहां पे बहुत सारे तार अटैच होते हैं मित्रों, उसे संधि बोलते हैं। इस संधि पर जितना धारा आई है ना उतनी धारा इससे निकलेगी भी, एक किरचाफ का नियम कहता है, यानी कि हम क्या बोलेंगे
संधि पर आने वाली धारा, संधि पर क्या बोलेंगे, आने वाली धारा, आने वाली कुल धारा बराबर क्या, संधि से जाने वाली कुल धारा, ये पहला वाला नियम है। और जानते हो इस बीच की बात और याद रखना, संधि से जाने वाली कुल धारा, अगर कोई बोले किरचाप का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा। मान लो यहाँ 10 एम्पियर है, यहाँ मान लो 12 एम्पियर है, और यहाँ मान लो 5 एम्पियर, कुल कितना है बोलो, 12, 22, 5, 27 एम्पियर धारा जा रही है। यहाँ मान लो आपने कहा 8 निकल गया, यहाँ मान लो निकल गया 12, तो 12, 8, 20 और 7 एम्पियर यहाँ से निकलेगा, ये आप याद रखना। या फिर हम क्या बोलेंगे, किसी संधि पर, हम क्या बोलेंगे, किसी संधि पर क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ आई इक्वल टू क्या, 0, यानी कि आने वाले को प्लस ले लेंगे, जाने वाले को माइनस, कुल 0 आ जाएगा। प्लस का 27, माइनस का 27, 0 नहीं आ जाएगा, आएगा। दूसरा वाला ला क्या बोलता है, केवीएल ला, यानी किरचाप वोल्टेज ला, यानी किरचाप के, किरचाप के या किरचाप का वोल्टेज का नियम, ये क्या बोलता है, किरचाप के वोल्टेज का नियम बोलता है ना, अगर मान लो कोई लूप है, अगर मान लो क्या बोलो, कोई लूप है, लूप कैसा भी हो सकता है, मतलब कि जानते हो, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, जो तुम्हारा मन करे वो कार ले लो, क्या दिक्कत हमको, है ना भाई। तो बोलता है किसी लूप में जो विभवों के, विभवों का टोटल जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो 0 होता है, यानी कि डेल्टा, डेल्टा वी नहीं, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू क्या बोलो, 0 होता है। तो सेकंड नियम क्या बोलता है, मान लो कोई बंद लूप है, तो बंद लूप में जितना डिवाइस आपके लगे है ना, उन जो डिवाइस जो लगे उन सबका जो वोल्टेज जो ले रहे हैं, उन वोल्टेज का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, बोलो 0 होता है। और जानते हो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या बोलो, आधारित होता है। तो याद रखना, किसी बंद लूप में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे हैं, तो सभी के लिए जो जो आपके विभव का बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। कॉपी पे नोट कर लो, रोक रोक कर कॉपी पे लिख लो, और यहाँ पे समझ गया हो तो दिमाग में उतार लो, क्योंकि टाप करना है, टाप करने के लिए पढ़ना पड़ता है सर। तो इसको हटाते हैं, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और अगला वाला जो क्वेश्चन आपका है ना मित्रों, वो जानते हो कहता है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उस साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। मतलब आपको व्हीटस्टोन का फॉर्मूला प्रूफ करना है, कोई बात नहीं है, पहले नॉर्मल आपको प्रूफ करवाते हैं मित्रों, आ जाओ। व्हीटस्टोन का फॉर्मूला क्या बोलता है, व्हीटस्टोन आप बोलते हैं पतंग लेके आओ, पतंग कैसा होना चाहिए, मान लो ऐसा वाला पतंग हो, ए मान लो पी हो, और ए मान लो क्या बोलो आप क्यू हो, और जानते हो ए मान लो कहता है आर हो, और ए मान लो कहता है यस हो, कोई बात नहीं सर। और जानते हो कहता यह है, अगर यह यहाँ पे जोड़ दो बैटरी को, कहा यह जाता है, अगर मान लो बैटरी भी वोल्ट की है बच्चा, कहते यह है जानते हो क्या, कहा यह जाता है कि यहाँ पे कुछ और मान लो बना हुआ है, मैं बता रहा हूं ना, अब यहाँ पे कहा यह जाता है, मान लो अगर यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ वाले के वोल्टेज के समान है ना जी, अगर यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ वाले के वोल्टेज समान है, तब क्या आएगा, तब पी बाई इसे क्यों मानो, पी बाई क्यू बराबर क्या, आर बाई एस होगा। या फिर अगर पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस है, तो यहाँ का विभव समान होगा, और जब यहाँ विभव समान होगा ना, तो यहाँ पे कोई धारा जाने वाली नहीं है, धारा का मान 0 आएगा। यही संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, अगर मान लो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस है, तो यहाँ का विभव समान होगा, और इस वाले ब्रांच में कोई धारा नहीं जाएगी। और जानते, या फिर ऐसे बोलो, अगर यहाँ विभव समान है, तब क्या होगा, यहाँ धारा जाएगी भी नहीं, और पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस आएगा। इसी को हमको प्रूफ करना है मित्रों, तो लगाएंगे हेडिंग प्रूफ का, ध्यान देना मैं क्या बोलता हूं। जानते हो V वोल्ट यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा V, और यहाँ जाएगा 0, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अच्छा मान लो यहाँ पे धारा आई वन है, और यहाँ क्या बोलो आई टू है, वही धारा निकल के यहाँ जाएगी आई वन, और यहाँ जाएगी आई टू। देखना ध्यान से, मैंने पहले मान, अरे भाई दो लोग में से चाहे इनको पहले मानो इनको लेके आओ, चाहे इनको मानो इनको लेके आओ, तो हमने मान लिया है कि जो पॉइंट ए और बी है ना, इनका जो विभव है यक्ष है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम बोलेंगे पी के लिए, क्या बोलेंगे, पी के लिए अगर बोला जाए
आई वन बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपान क्या, डेल्टा वी अपान यहाँ पे आर का मान पी लिया है तो डेल्टा वी क्या यहाँ पे कितना है पी के लिए डेल्टा वी का मान वी माइनस एक्स है तो वी माइनस एक्स बाई पी आएगा, समीकरण नंबर एक आएगा। एंड हम बोलेंगे क्यू के लिए, अगर क्यू के लिए बात की जा रहा मित्रों तो आई टू आएगा, आई टू बराबर क्या विभवांतर इसका वी माइनस एक्स ही है, वी माइनस एक्स बाई क्या क्यू आएगा, समीकरण नंबर दो आ गया। अगर मैं कह दूं ना मित्रों एक व दो से, अगर एक व दो को सॉल्व कर लोगे ना, एक भागा कर लो एक भाग दो से, तो क्या आएगा जानते हो, ये आएगा आई वन बाई आई टू बराबर क्या, ये आएगा आपका v माइनस एक्स बाई पी अपान वी माइनस एक्स बाई क्यू, एक कट जाएगा तो हम बोलेंगे इसलिए क्या आई वन बाई आई टू बराबर क्यू बाई पी आएगा, समीकरण नंबर तीन मान लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब कहते हैं r के लिए आ जाओ मित्रों, हम बोलेंगे अब अगर r की बात की जाए, r के लिए बात की जाए तो जानते हो क्या आएगा, आई आई वन ही है वहां धारा, आई वन ही है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है भाई, तो यहाँ पे आएगा x माइनस जीरो वी डेल्टा वी का मान यहाँ पे x माइनस जीरो विभवांतर अपान r आएगा, समीकरण नंबर चार आ गया। एंड क्या अगर i2 टू यहाँ की बात की जाए कि s के लिए, ये आएगा x माइनस जीरो अपान s आ जाएगा, समीकरण नंबर पांच मान लो, यहाँ पे लिखना s के लिए। अब जानते हो मैं एक बात बोलूं क्या, हम बोलेंगे समीकरण नंबर चार भागा किसे बोलो पांच से, तो क्या आएगा i1 वन बाई आई टू बराबर क्या, फिर से कट जाएगा ये वाले से कट जाएगा तो s बाई r आएगा, समीकरण नंबर चार बना लो, चार तो हो गया ना, पांच भी हो गया, छह बना लो इसको मित्रों। अब देखो तीन वाला और छह वाला, हम बोलेंगे तीन व छह से, देखो भैया आई वन बाई आई टू यह भी है, आई वन बाई आई टू यह भी है, यहाँ पे क्या आएगा q बाई पी स्क्वल टू एस बाई आर, या हम क्या बोलेंगे p बाई क्यू स्क्वल टू आर बाई एस, हैंस प्रूव्ड, यही क्या है, यही जो आपका है ना मित्रों, यही है फार्मूला, कौन सा वाला, व्हीटस्टोन के संतुलित ब्रिज वाला फार्मूला, यही कहता है। देखो दो में से एक मानना पड़ेगा, अगर ये मान लोगे तो इसको लाना पड़ेगा, और अगर ये मान लोगे तो आपको इसको दिखाना पड़ेगा बराबर आपको, है ना जी। तो हमारा कई सालों वाला जो सवाल इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने की संभावनाएं हैं, हमने खत्म कर लिया है। अगर आप देखने को पाएंगे 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में एग्जाम तो हुआ नहीं था, 22, 23 इन सब में आप पाएंगे हर साल पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड का कुल 7 सेट बनता है, आप टॉप करेंगे, आप पढ़ेंगे और इतना दे पढ़ेंगे और अपने मम्मी पापा दादा दादी मामा मामी नाना नानी सबका नाम रोशन करने के लिए पढ़ेंगे और हमको खुश करेंगे और हम खुशी तभी हो, मतलब मैं खुश तभी होऊंगा जब आप पढ़ोगे। तो चलते हैं शुरू करते हैं बिना ज्यादा बात करे हुए, ज्यादा बात करेंगे तो आप स्किप करके भाग जाओगे, तो मैं चलता हूं आपको लेके पहले वाले इक्वेशन के ऊपर। पहला वाला इक्वेशन मित्रों आपके सामने बन गया है, बढ़िया सा लिखवा के लाया है अपने मित्रों से मैंने। देखो पहला वाला इक्वेशन क्या कह रहा है, लिखा है बायो सेवर्ट का नियम समझाइए, इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निगमन कीजिए, यार और वही ऊपर सवाल लिखा हुआ है, तो जानते हो करेंगे सॉल्यूशन बताएंगे आपको जवाब। जैसे मान लिया जाए बायो सेवर्ट का नियम क्या बोलता है, मान लो ये आपका धारावाही कोई चालक तार जिनमें धारा आई बह रही है, अगर डीएल लेंथ काट लिया जाए तो इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है तो हम बोलेंगे बी एट पॉइंट पी, जानते हो बहुत छोटा लंबाई काटे हो बहुत छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो क्या बनेगा डी एट पर डी बी बनाएंगे, छोटा सा लंबाई है तो छोटा सा क्षेत्र बनेगा चुंबकीय वाला, क्या बनेगा यू नॉट बाई फोर पाई और क्या आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, यही बनता है मित्रों, ये आपका क्या है, यही है आपके बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है ना। और आप ऐसे कह सकते हो क्या जो dB है प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो I है, dB क्या है प्रोपोर्शनल टू आपका dL है, dB प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो साइन थीटा है, और एक बात और बोल देना
डीबी जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर है। इतना बोल देंगे, बोलेंगे इनको मिला करके यही है बास सेवर्ट का आपका नियम। तो प्रूफ करना है इन्हीं का नियम का उपयोग करके। एक मान लो हमारे पास कोई क्या है बोलो, वृत्ताकार धारावाही चालक तार है, ठीक है ना। एक नंबर का सर्कल बनाया मैं तुम्हारे लिए, यहाँ पे देखो सेंटर है, मैंने कहा आर त्रिज्या के पथ का क्या है बोलो वृत्ताकार धारावाही चालक तार है, जिनमा धारा आई क्या हो रही बोलो बह रही है, और आपको केंद्र पर क्या निकालना है, इनके केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र बी का मान। कोई बात नहीं सर, एक बात जानते हो ना, एक डीएल काटोगे अगर, डीएल धारा की जाएगा, धारा की ओर जाएगा, और जानते हो क्या होने वाला है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा बाहर की ओर, राइट हैंड पाम रूल, धारा को धारा की ओर अंगूठा रखना है और जहां निकालना उधर पाम, बाहर आएगा यार कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हो डीएल लेंस से आर दूरी पर कितना बनता है, तो हम बोलेंगे छोटा सा डी बनेगा। डीबी इक्वल टू क्या होता है भाई, यहां देखो फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान क्या बोलो मित्रों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना मित्रों, तो आप बताओ जरा ये आपका साइन थीटा एंगल कहाँ वाला है, जहां पे हम बोलेंगे ना, जहां जो थीटा है, थीटा इज क्या एंगल बिटवीन, जानते हो कहाँ कहाँ का है, त्रिज्या दूरी और लंबाई। देखो त्रिज्या आपकी अंदर जा रही है, लंबाई आपकी इधर जा रही है, तो हो जाएगा बिटवीन कहाँ आर दूरी एंड क्या बोलो लंबाई एल कह सकते हो, या इसी को आप आई बोल सकते हो मित्रों। मेन वाला फार्मूला अगर मैं बताऊ ना, तो ऐसे होता है डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर, यहाँ पे क्या होता है डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपान क्या होता है बोलो आर क्यूब होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आर और एल के बीच वाला एंगल है यहाँ पे। तो ये हर बार 90 आएगा, यहाँ भी 90 आएगा, मान लो आप यहाँ पकड़ो तभी ये 90 आएगा, कहीं पकड़ लोगे 90 ही आएगा ही। तो हम बोलेंगे क्या करना है, डीएल 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 काटेंगे, सबका समाकलन कर लेंगे, बनेगा डीबी 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 बनेगा, समाकलन कर लेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पे देख रहे हो आई डीएल साइन 90 अपान क्या बोलो आर का स्क्वायर आएगा मित्रों। कोई बात नहीं यार, आर भी कॉन्स्टेंट, यहाँ देखो ये तो कट जाएगा ना, ये भी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और एक बात और जान लो मित्रों, आर भी क्या है बोलो कॉन्स्टेंट ही है, ये आपका स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, आई भी कॉन्स्टेंट है और डीएल बचेगा, तो बी का मान क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डीएल 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 कुल काट लोगे तो वृत्त का आपका आएगा परिधि आएगा, क्योंकि 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई से पाई पाई कट जाएगा, 2 2 4 होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बी एट जो सेंटर है ना मित्रों, वो आपके पास आ चुका है क्या म्यू नॉट बाई 2 इंटू क्या और एक आर से आर कट जाएगा I बाई आर। और जानते हो अगर यहाँ पे तार के एन फेरे होंगे ना, तो एन का गुणा कर लेना, तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर इंटू क्या एन, यानी एक फेरे का म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर और एन फेरे होंगे तो एन का गुणा कर लेंगे यार, पहला वाला आराम से प्रूफ हो गया ना, 5 नंबर पाओगे यहाँ से। और हम मुस्कुरा के पढ़ो, मुस्कुरा के नहीं पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी, इसके साथ जल्दी चलो मैं चलता हूं आगे, कोई दिक्कत ना। ए वाला वेक्टर वाला फार्मूला है और ए वाला इस उसका स्केलर वाला फार्मूला। मित्रों अब चलते हैं आपको लेकर के सेकंड वाले क्वेश्चन पर, वो आने वाला है और आप इंतजार करने वाले थे ना, तो आ भी गया मित्रों। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या व्यंजक प्राप्त करो मित्रों। कोई बात नहीं है, हम करते हैं सॉल्यूशन। मैंने कहा यहाँ पे बना लो चुंबकीय क्षेत्र बना लो मित्रों, कोई बात नहीं है यार, ये बी है और आपको यहाँ पे क्या लिखना है चुंबकीय द्विध्रुव रखना है। कोई बात नहीं सर, द्विध्रुव को यहाँ हमने रख दिया है ना जी, द्विध्रुव रखा गया हमारा। और जानते हो ये मान लो आपका एस वाला पोल है, ये मान लो एन वाला पोल है, ये मान लो थीटा एंगल पर है मित्रों। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि घुमाने में जो आप मतलब की घुमाओगे तभी ऊर्जा बनेगी यार, जब घुमाओगे तो उसका जो पोजीशन है चेंज होगा और चेंज होगा तो टार्क बनेगा, टार्क बनेगा तो ऊर्जा आएगी ना मित्रों। तो जानते हो हमने कहा थोड़ा सा घुमाया, अगर थोड़ा सा घुमा दोगे ना डी थीटा मित्रों, तो थोड़ा घुमाने में थोड़ा काम करना पड़ेगा, और जानते हो काम कौन सा, टार्क वाला है ना जी। तो हमने बोला जो डी डब्ल्यू होगा ना मित्रों क्या होगा बोलो टाऊ, और क्या बोलो टाऊ इंटू क्या होता है लंबा दूरी उतना मित्रों, ये हो जाएगा टाऊ इंटू जितना घुमाए हो,
यानी कि आप जानते हो क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो कार्य कौन सा वाला है, रोटेशन वाला है, तो बल कौन सा लग जाएगा, रोटेशन वाले टॉर्क लग जाएगा, और आप थोड़ा सा घुमाए हैं तो लग जाएगा डी थीटा, और मान लो घुमाते 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 थीटा वन इसको जानते हो थीटा टू तक आ गए, तो जानते हो क्या होगा, समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर क्या, समाकलन ऑफ टाऊ, और यहाँ पे क्या डी थीटा, कहां से कहां था थीटा वन से लेके थीटा टू तक आपको जाना पड़ेगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू निकल जाएगा। अच्छा टाऊ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अच्छा एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है मित्रों, और यहाँ पे थीटा वन और कहां थीटा टू तक जाना पड़ेगा आपको, यम कॉन्स्टेंट रहेगा, यम कॉन्स्टेंट। अच्छा यम क्या होता है, एक पोल की शक्ति और क्या दोनों के बीच की दूरी, यानी कि कैपिटल यम चुंबक की द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, एक पोल की शक्ति और गुणे क्या दोनों के बीच की दूरी, दिशा कहां से कहां, साउथ टू नॉर्थ होती है मित्रों। तो यहां देखो यम कॉन्स्टेंट, बी भी कॉन्स्टेंट है, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है मित्रों, ये साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा वन से लेके थीटा टू तक जाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा जानते हो, ये आएगा एम बी आएगा, और यहाँ पे थीटा टू रखना पड़ेगा, तो माइनस कॉस थीटा टू घटाना पड़ता है, घटाएंगे और इनका वाला घटाना लगा देंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस क्या बोलो कॉस थीटा वन, यानी क्या बोलेंगे, या फिर डब्ल्यू स्क्वायर टू एम बी और क्या ब्रैकेट में कॉस थीटा वन माइनस क्या कॉस थीटा टू हो जाएगा। और ये आपका खूबसूरत सा फार्मूला लाता हुआ आपका माइस्टर, और आप जल्दी से ले लो इनका स्क्रीनशॉट करना, कुछ ना छोटा मोटा सवाल है यार, मतलब थोड़ा सा घुमाने में छोटा काम करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या टाऊ डी थीटा बन जाएगा, समाकलन कर लेंगे जितना घुमाना हो थीटा वन से लेके थीटा टू तक जाएंगे, और टाऊ बराबर क्या एम बी साइन थीटा होता है मित्रों। तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या है चुंबकीय बल आघूर्ण है, और है क्या है आपका चुंबकीय आघूर्ण है मित्रों, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर मित्रों, थर्ड बोलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है, थर्ड आपका है बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण आर या ए लगा लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना मित्रों। जानते हो मैंने कहा मान लो एक कोई धारावाही चालक तार है, इनकी लंबाई मान लो अनंत है मित्रों, ठीक है ना, कोई बात नहीं अनंत मान के करो जो तुम्हारा मन करे, यहाँ पे क्या आई है और यहाँ पे ए दूरी पर कोई पॉइंट पी है, आपको निकालना है बी एट पॉइंट पी क्या होगा। पहले मैं बता दूं आपको बायो सेवर्ट का नियम कहता है अगर यहां पे कोई डीएल लेंथ काट लिया जा रहा है मित्रों, तो जानते हो यहां से आर दूरी पर जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र है छोटा सा बनेगा, डीएल लंबाई छोटा सा है, छोटा क्षेत्र पाएंगे यार, म्यू नॉट बाई क्या बोलो फोर पाई, और जानते हो क्या आई डीएल साइन थीटा बटे क्या आर का स्क्वायर, जहां थीटा क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन क्या डीएल एंड क्या डीएल या फिर आई एंड क्या बोलो आर, यानी कि आई आगे जा रहा आर यहां जा रहा, इनके बीच एंगल है, लेकिन अगर हम मानेंगे इनको थीटा मान लेंगे मित्रों, अगर थीटा मान जाएंगे तो बचेगा नब्बे आपका होता ही होता है, ये कितना बचेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लगा लेंगे क्या db इक्वल टू क्या म्यू नॉट बाई फोर पाई और आई डीएल, और यहाँ पे साइन क्या आएगा 90 अंश माइनस थीटा बटे आर का स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा db इक्वल टू ये आपका आएगा मित्रों, रुक जाइए ये क्या बन रहे हो यार तुम, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर आएगा मित्रों। यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए जानते हो। अब पूरे तार ऐसा कुछ सोचना है कि पूरा तार हमारी गिरफ्त में आ जाए, इस वाले पॉइंट पे आ जाए, तो सोचने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको यहां से और यहां से पूरा आप देखो ना इतना बना लिया तो पूरा तार हमारी गिरफ्त में आ गया, इसको मान लो क्या फाई वन मान लो पूरा एंगल, और ये मान लो क्या है पूरा फाई टू है मित्रों, ये वाला पूरा एंगल क्या है, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं यहां से, ये वाला पूरा एंगल आपका फाई टू है और ये वाला क्या बोलो फाई वन है मित्रों, कोई बात नहीं है। अब जानते हो करना क्या है, डीएल 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 काटना है तो क्या बनेगा डीबी 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 बनेगा, समाकलन कर लो यार, अब समाकलन करने का तरीका जानते हो ना, समाकलन कर लेंगे तो क्या आएगा डीबी इक्वल टू क्या समाकलन आप म्यू नॉट बाई फोर पाई, और जानते हो थीटा के लिए कर रहे हो ना, तो माइनस के फाई टू से नीचे वाला माइनस का होगा फाई वन तक करना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आई डीएल
कॉस थीटा बटे क्या आर का स्क्वायर आएगा मित्रों। अब एक तकलीफ बढ़ेगी, यहाँ पे डीएल है, यहाँ पे थीटा है ना, अच्छा ये कट जाएगा, ये आपका बी आ जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, देखो म्यू नॉट बाई फोर पाई क्या बोलो कांस्टेंट है, आई क्या बोलो कांस्टेंट है, और जानते हो आर लेकिन कांस्टेंट नहीं है, डीएल डीएल छोटा बड़ा होगा ना, तो आर कहाँ कांस्टेंट कर पाओगे यार, तो यहाँ पे क्या बचेगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई, और यहाँ पे बचेगा आपका डीएल और कॉस थीटा बटे क्या बोलो आर, सब अलग अलग अलग, थीटा अपना अलग भाव दिखा रहा है, डीएल अपना अलग भाव दिखा रहा है, और आपका जो आर है ना वो अपना अलग भाव दिखा रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना मित्रों, आप आइए यहाँ पर इस अगर ट्राइंगल में आओ ना, इस वाले से इस वाले में अगर आया जाए ना तो क्या मिलेगा, हम बोलेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलो, यहाँ थीटा है आधार बटे आधार ही है, और आपका थीटा क्या बोलो कर्ण क्या बोलो आर, ठीक है ना, कोई बात नहीं सर। अच्छा एक बात बोलो, यहाँ से आर बराबर क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, इसका तो हम काम निपटा लेंगे, हम बोलेंगे या फिर क्या बी स्क्वायर टू म्यू नॉट बाई फोर पाई और आई, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी लगाएंगे आर का मान पहले रख लो आराम से, कितना आएगा आर, चूंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है मित्रों, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर अपान क्या बोलो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कोई बात नहीं सर। अब जानते हो क्या होने वाला है कहानी में, कहानी में ए आने वाली है एक बात, तो कौन सी बात है, हमको डीएल को वहां से करना रिमूव, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कोने में आता हूँ, जानते हो टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है बोलो सर, टैन थीटा बराबर क्या, देखो लंब बटे आधार, ये लंबाई मान लो एल है और आधार आपका ए है, तो एल बाई ए हो जाएगा, तो अगर हम बोलें तो यहाँ पे एल बराबर क्या आएगा ए टैन थीटा आएगा, कोई बात नहीं सर। एक बात और जान लो, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लो तो क्या आएगा ए sec स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब क्या डीएल बराबर ए sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या बोलो डी थीटा आएगा मित्रों, यानी कि जो डीएल है ना डीएल वहां पे आ जाएगा ए ए sec स्क्वायर क्या बोलो थीटा और इंटू क्या बोलो डी थीटा आएगा, और यहाँ पे कहाँ से रहने दो यार, कोई बात नहीं है। अब जानते हो क्या होगा, या जो बी बराबर बनेगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई, और यहाँ पे क्या ए अपान इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या कॉस थीटा इंटू डी थीटा बचा हुआ है ना, अपान क्या ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आने वाला है बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, ए पूरा कट जाएगा एक यहाँ बचेगा, या फिर हम क्या बोलेंगे ए भी कॉन्स्टेंट है तो म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे जानते हो कहाँ से कहाँ समाकलन करो तो भूल गए बेटा आप लोग, तो माइनस के फाइव टू से फाइव वन तक, 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 यहाँ पे कॉस थीटा और क्या बोलो डी थीटा आपका आ जाएगा, कोई बात नहीं सर। या फिर अगर हम बोले यहां से मित्रों जानते हो क्या आएगा बी स्क्वायर टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए, और यहाँ पे कॉस थीटा का जो समाकलन होता है ना मित्रों वो होता है क्या साइन थीटा, और फाइव टू माइनस से प्लस के फाइव वन तक, अगर आप इसको लेके जाएंगे ना तो या फिर क्या आएगा बी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए, और यहाँ पे क्या आएगा साइन फाइव वन, और नेगेटिव इनका नेगेटिव प्लस कर लेगा साइन फाइव टू। अगर मैं आपको एक बात बोलू ना, अनंत वाले केस में, अनंत वाले केस में पूरा ये नब्बे बन जाएगा, ये भी नहीं पूरा बन जाएगा, अरे भाई अनंत पता नहीं कहाँ जा रहा, अनंत देखो जैसा ऊपर जाओगे थीटा बढ़ता जाएगा, अनंत वाले केस में दोनों नाइनटी के आएंगे, तो साइन नाइनटी साइन नाइनटी साइन नब्बे का मान एक होता है, एक एक दो हो जाएगा, तो दो सैनी से वक्त दो से दो कट जाएगा ना चार वाला, हो जाएगा बी बराबर क्या ये आएगा म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई ए। मित्रों ए क्या है लंबवत दूरी है तार से उस पॉइंट की जहां पर तीव्रता आपने निकाली है, बड़ा नहीं है यार छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से, और हम चलते हैं क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा नहीं लेना है, तो इसको मैं मिटाता हूं मित्रों, चलता हूं अगले वाले पे। अगला वाला क्या बोलता है, चौथा बोलता है एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, और उसी नियम से आपको सेंटर पर निकाल हुआ अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अरे भाई यार वही वाला फार्मूला है, लेकिन जानते हो नाटक कर रहा है यार, जानते हो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है क्या लाइन इंटीग्रेशन यानी कि रेखीय समाकलन किसका बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या म्यू नॉट इनटू आई, यानी कि लूप में बहने वाली धारा
का म्यू नॉट गुना होता है कौन, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और जान तो फार्मूला प्रूव करते हैं यार, मान लो अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, कोई बात नहीं सर। और जानते हो धारावाहिक यहां से मान लो ए दूरी पर, यहां से हमको बनाया इस वाले पॉइंट पर निकालना है क्या, बी एट पॉइंट पे निकालना है, तो इससे होता हुआ बनाते हैं एम्पियर लूप बनाते हैं हम लोग, एम्पियर लूप बन जाएगा। एम्पियर का फॉर्मूला क्या बोलता है यार, यहाँ देखो इतना आसान है ना, ये क्या म्यू नॉट इंटू आई, और जानते हो बी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हर जगह ए ही रहेगा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा डीएल, और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई आएगा। और जानते हो यहाँ पे क्या होने वाला है, डीएल 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 काटोगे ना यहाँ पे तो क्या आएगा, टू पाई ए आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है, टू पाई ए आएगा। और जान तो वही वाला फार्मूला है मित्रों, तो बी बराबर क्या आएगा म्यू नॉट बाई टू पाई इंटू आई बाई ए आ जाएगा, खत्म कहानी, बी एट पॉइंट पी यही है, हैंस प्रूव्ड, एच पी को लिख दो सर। तो आप जानते हैं एम्पियर लॉ बड़े कमाल के सिरे से वैज्ञानिक सर, लेकिन इनको चैलेंज करने वाला कौन था, मैक्सवेल था आपसे, जानते हो मैक्सवेल ताप वाला विस्थापन धारा, अगर आपको याद नहीं तो मिलेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानते हो छोटा सा पांच नंबर देगा साहब, तो एम्पियर साहब को नमन कर लो एक बार और नंबर पाओ आराम से। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन कहता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला निकालना है। मैं तुमसे सवाल क्या पढ़ू, दो ऐसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, एक तार ऐसे मान लो धारा I1 वाला है और एक तार कौन सा वाला है बोलो I2 वाला है, कोई बात दोनों के बीच दूरी मान लो R है, ये I1 I2 वाला, तो जानते हो यह कितना फोर्स अनुभव करेगा, मैं बता रहा हूं तुमको बेटा, ये L लंबाई का मान लो कुल तार है, कितना फोर्स अनुभव करेगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा F बराबर क्या आई बी और क्या एल साइन थीटा। हालांकि जानते हो साइन थीटा क्या है, आई बी एल साइन थीटा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र बी और एल के बीच एंगल है, जहां पे थीटा क्या है, जहां थीटा क्या है एंगल बिटवीन क्या एल एंड क्या बोलो बी, ध्यान देना ये हमारा तार कितना फोर्स अनुभव करेगा, इनमें धारा कितना बह रहा है आई टू धारा बह रही है, कोई बात नहीं है, और कितने चुंबकीय क्षेत्र में ये है पहले जान लीजिए, कितने चुंबकीय क्षेत्र में ये है, तो ये अच्छा होता चुंबकीय क्षेत्र यहां बनाएगा कौन, पहला वाला बनाएगा, तो इसका दिशा कहां जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनके नाते अंदर जाएगी, राइट हैंड पाम और अंगूठा धारा की ओर, पाम जहां पर निकालना वहां जाएगा अंदर जाएगा, यानी कि बी यहां पे इनवॉल्व होगा मित्रों, कोई बात नहीं है, यानी कि बी इनवॉल्व है और लंबाई ऊपर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आएगा साइन 90 आएगा, पहले यहां पे लिख ले रहा हूं मित्रों। और जानते हो इनकी वजह से यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये अगर आपको बताया जाए तो जानते हो कितना म्यू नॉट बाई टू पाई, अभी पीछे लगा के आए हो आई बाई क्या बोलो आर, इतना बनेगा, एम्पियर साहब के नियम से लगा के आए हो, बालाशिवर साहब के नियम से लगा के आए हो यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पे एल रहन दो, ये कितना ए, अच्छा यहाँ पे क्षेत्र बना कौन रहा है, ए वाली धारा बना रही है, तो यहाँ पे आई वन कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ, और यहाँ पे बाई एल कर दो, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट बाई टू पाई आई वन आई टू बटे आर, उनका मान एक होता है, कोई बात नहीं है सर, तो एफ बाई एल या एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है म्यू नॉट बाई टू पाई आई वन आई टू बटे आर, या फिर अगर यहां निकालोगे यहाँ पे ना, तो अभी ये देखो अगर यहाँ पे निकालोगे ना, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इनके आउटवर्ड आएगा, लेकिन हाँ फार्मूला फिर वही आएगा एफ बाई एल बराबर क्या, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है साहब, जितना बल वो लगाएंगे उतना बल हम भी लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये आपका छोटा सा फार्मूला है यार, मतलब जानते हो मतलब अपने फार्मूला तो छोटा सा बड़ा होगा, एफ बराबर आई बी एल टाइन थीटा, ठीक है ना, आई क्या है तार में बहने वाली धारा है, तो आई टू रख लिया, अच्छा बी यहाँ पे कितना बनेगा, ए वाला बनाएगा आई, यहाँ पे क्या म्यू नॉट बाई टू पाई जो धारा I1 अपान R बन जाएगा, और L तो पूरा लंबाई यही रहेगा ना, साइन 90 पकड़ लेंगे, क्योंकि जानते हो यहाँ पे क्षेत्र अंदर है, अंदर ही है लंबाई ऊपर है, तो 90 आएगा साहब, तो यहाँ देखो म्यू नॉट बाई टू पाई I1 I2 बटे R, यहाँ पे L को यहाँ पे दिया, इसका मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये आपका आ गया क्या म्यू नॉट बाई टू पाई I1 इंटू I2 बटे R, है ना जी, ये वाला फार्मूला आपने प्रूव कर लिया, और कह रहा है इसी के आधार पर एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए, तो कोई बात नहीं है साहब, मैंने क्या बोला लंबाई पकड़ लो एक मीटर, ठीक है ना, और जानते हो
यहां से I1 I2 का मान क्या पकड़ लेते हैं जानते हो, I1 बराबर V1 और क्या I2 बराबर 1 एम्पियर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और R बराबर क्या पकड़ लो 1, ठीक है ना। तो मतलब कहने का यह है सब कुछ 1 पकड़ लोगे तो F का मान क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे अगर मान लो दो सीधे लंबे धारावाही चालक तार है, अगर उनमें एक एम्पियर की धारा बह रही है और उनके बीच की दूरी एक मीटर की है, अगर उनमें एक एम्पियर करंट बह रहा है और उनके बीच की दूरी अगर मान लो 1 मीटर है, तो उनके एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो म्यू नॉट बाई 2 पाई न्यूटन का होगा। मैंने क्या बोला, अगर दो अनंत धारावाही मतलब समांतर चालक तार रखे गए हैं, अगर उनमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है तो अगर और अगर वे 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो उनके एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है म्यू नॉट बाई 2 पाई न्यूटन होगा। जल्दी से आप ले लो स्क्रीनशॉट, अब आ जाओ 5-7 नंबर बटोर लो पूरा पूरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मित्रों पूरा हो गया हमारा। अब आ गया सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देख लो साहब, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो सेवर्ट का नियम फिर आ गया साहब, कोई बात नहीं यार। और बोलता है बायो सेवर्ट के नियम के समीकरण से निर्वात की चुंबकीयता का मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं साहब। ये आपका अंतिम सवाल है मित्रों, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहली बात यह है मान लो, अगर मान लो धारा बह रही है किसमें, आपके तार में बह रही है, तो बायो सेवर्ट का नियम बहुत छोटी सी लंबाई के नाते चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालता है। तो यहाँ पे डीएल लंबाई कट गया इस वाले पॉइंट मान लो पी पर, आर दूरी पर जो कि है आपको बी एट पॉइंट पी निकालना है। तो एक कहते हैं ना बायो सेवर्ट का नियम कहता, हम बोलेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, क्या बोलेंगे बोलो, बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट का नियम जानते हो क्या कहता है सर, भूल गया यार। तो भूल क्यों गए, यहाँ पे आओ जरा, क्या बोलता है, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल होता है, डीबी प्रोपोर्शनल टू आपका होता है साइन थीटा होता है, एंड क्या डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। तो हम क्या बोलेंगे, चारों को मिलाने पर चारों से तो क्या आएगा, ए डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर आएगा। जब ये हटेगा ना तो ये कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर आएगा मित्रों। यही बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है ना। और आपको इसी के नियम से आपको निकालना है क्या, म्यू नॉट का मात्रा निकालना है, कोई बात नहीं हम तो निकाल ही देंगे साहब, जानते हो क्या है, यहां देखो ना आराम से। तो हमने बोला अच्छा बताओ बी का मात्रा क्या होता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा से बी का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका बन जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, म्यू नॉट का तो निकालेंगे निकालेंगे, अंकों कोई जवाब है नहीं है साहब। आई का होता है एम्पियर और यहाँ पे क्या होता है बोलो, इस लंबाई का होता है मीटर, साइन थीटा कोई जवाब है नहीं है साहब, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से मीटर यहाँ कटेगा, एक मीटर बचेगा ना, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट का मात्रक क्या आएगा जानते हो, एम यानी कि न्यूटन अपान क्या एम्पियर गुणा एम्पियर एम्पियर स्क्वायर आएगा। तो इसका डीएफ क्या आएगा, डीएफ न्यूटन का एम एल टी माइनस 2 होता है और एम्पियर का आपका ए टू टू एम्पियर का हालांकि ए ही होता है यार, तो ए कितना आएगा एम एल और क्या एम एल टी माइनस 2 और भी जाएगा ऊपर माइनस 2। अगर ऐसे लिखा जाए ना एम ए एल टी लिखा जाए तो जानते हो क्या बनेगा, यम का 1 है एल का माइनस 2 है, एल का 1 है टी का माइनस 2 है, यानी कि बनने वाला है 12 12 और यहाँ पे क्या माइनस और यहाँ पर क्या माल्ट लिखना 12 12 और जहां इवन नंबर आपका चल रहा है ना वहां पे लग जाएगा माइनस, है ना। तो हो गया पूरा गतिमान आवेश और चुंबकत्व खत्म यहाँ पर, इससे ज्यादा जानते हो डेराइवेशन कहीं आता वाता नहीं है। और अगर इसको पढ़ लोगे आधा घंटा मन लगा के ना तो आपका नंबर बढ़िया बनेगा। आज हम 5वें पार्ट के फार्मूले को प्रूव करेंगे जिसका नाम क्या बोलो, मैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले में कोई फार्मूला ऐसा नहीं था, इसलिए अगले पार्ट का इस वाले नए वाले पार्ट का जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके 2 फार्मूले कराऊंगा और बड़े मुश्किल थे 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन हाँ पूरे पूरे आपके 10
10-12 नंबर क्लियर होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले हो जाएंगे क्लियर। लेकिन अगर पीछे का वीडियो आप नहीं पढ़ के आए तो पढ़ के जल्दी से आ जाइए और शुरू करते हैं आज का नया वाला दौर सवालों का और चलते हैं लेकर के, क्योंकि मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है मित्रों, तो जानते हो ना पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर यहाँ पे लिखा है पहला वाला सवाल, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 21 कहाँ गया सर? 21 को तो सर कोरोना खा गया था ना, इसलिए गायब हो गया। तो आते हैं 24 में भी आएगा फैराडे की, आपको जानना चाहिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। एक पहला वाला नियम है, कौन सा वाला? पहला वाला नियम क्या कहता है मित्रों, आपको इसको जानना है तो हम बताते हैं ना आपको क्या होता है पहला वाला नियम। सॉल्यूशन हम बोलेंगे प्रथम नियम, क्या बोलेंगे बोलो? बोलेंगे प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है ना मित्रों, कॉपी और पेन निकाल लो यार, फिर मैं बोलता हूं ना। अगर मान लो किसी बंद लूप में बंद लूप किसका, मेटल वगैरह का तार है कोई, अगर मान लो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम इसमें क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है। अगर मान लो बंद लूप है तब, अगर बंद लूप नहीं है तो क्या बनेगा बोलो? वो बनने वाला है उसके सिरों के क्रॉस विद्युत वाहक बल, तो हम क्या बोलेंगे? अगर मान लो कोई बंद लूप है उसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ समय बाद उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, उस धारा का नाम क्या है? प्रेरित धारा है मित्रों, जानते हो पहला वाला नियम है। और दूसरा वाला नियम क्या कहता है? दूसरा वाला नियम कहता है ना, वो जो प्रेरित धारा विभव है उसका मान क्या होगा? तो दूसरा नियम कहता है अगर किसी बंद लूप में चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन हो रहा है तो उसके इंड के क्रॉस जो बनने वाला विभव है ना मित्रों, वो माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी के बराबर होता है। यहां माइनस का मतलब यह है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के उल्टा विभव बनता है। अगर मान लो फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो विभव आपका क्या हो रहा, ऐसा करेगा, अपोज करेगा, और घट रहा मतलब विभव उनको घटाना चाहेगा, और यहाँ पे अगर मान लो फ्लक्स घट रहा है तो ऐसा विभव बनेगा जो उनको पढ़ाना चाहेगा। लेंज का नियम इसे कहते हैं, यानी कि आपके फैराडे के द्वितीय नियम में लेंज का नियम शामिल हो जाता है। और दोनों नियम आपको बढ़िया से आना चाहिए। पहला वाला बोलता है ईएमएफ बन जाता है, बंद लूप धारा बहेगी। दूसरा वाला बोलता है कितना बनता है भाई, तो बनता है इतना, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा डी बनता है मित्रों। और जानते हो, और यहाँ पे एयर माइनस का मतलब क्या, लेंज साहब का नियम फॉलो हो रहा है। अगर मान लो फ्लक्स के बढ़ने के नाते धारा बनी होगी तो धारा ऐसी बनेगी जो उनको घटाएगी, और अगर बढ़ने के नाते बनी होगी धारा ऐसी बनेगी जो उनको बढ़ाएगी। अगर बढ़ने नाते बने तो घटाएगी, और अगर घटने नाते बनी है तो बढ़ाएगी मित्रों। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले पेज के ऊपर। अगला वाला पेज हमारा जानते हो क्या है, सवाल है यार, धारावाही लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। कोई बात नहीं सर, आते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है। जानते हो पहली बार जरा प्रणालिका क्या होती है, प्रणालिका ही होता है यार। मान लो कोई अचालक पाइप है उसके ऊपर तार लपेटा गया है और अगर धारा बहाई जा रही है ना मित्रों, तो हम जानते हो इसको बोलते हैं परिनालिका बोलते हैं। मान लो इनकी लंबाई n है और कुल मान लो फेरों की संख्या, कुल अगर तार के फेरों की संख्या मानी जाए ना, फेरों की संख्या क्या मान लिया, कैपिटल N है मित्रों, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना बी इन साइड, जानते हो क्या बनता है मित्रों, वो बनता है म्यू नॉट N बाई L इंटू आई, और N बाई L को स्मॉल N भी बोलते हैं। एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या होती है मित्रों, ये B बनता है, N के ही बनता है मित्रों। अब जानते हो एक बात जानो, पहले धारा बह रही है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अंदर ही बन रहा है। अच्छा तो बताओ फाई का मान क्या होता है, फाई का मतलब बी डॉट ए होता है। देखो भाई चुंबकीय क्षेत्रों को आगे जाना है और वेक्टर एरिया भी कहाँ जाना, आगे जाना है, तो बी ए कॉस थीटा अगर लगा भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये बन जाएगा बी का मान यहाँ पे है म्यू नॉट और यहाँ पे एन बाई एल इंटू आई, और एरिया इसका मान लो ये वाला जो ए है और ये आपका कॉस जीरो आएगा, ठीक है ना। ये मित्रों एक चक्कर का है यार, अगर मान लो तार की एन फेरे है ना, यहाँ पे एन का गुणा भी कर लेना, इसलिए जो फाई टोटल आएगा ना मित्रों वो आपका आएगा म्यू नॉट
एन स्क्वायर बाई एल इंटू आई इंटू ए समीकरण नंबर एक बन जाएगा। एंड हम जानते हैं क्या फाई जो प्रोपोर्शनल टू आई होता है, या हम क्या बोलेंगे जो फाई टोटल होता है ना मित्रों, वो बराबर एल आई, और यहाँ पे जो एल है ये आपके कुंडली का क्या बोलो स्व प्रेरण गुणांक है मित्रों। समीकरण नंबर बना लो दो, ये जानते हो फाई टोटल का फॉर्मूला एल आई भी होता है मित्रों। अब यहाँ देखो हम बोलेंगे एक व दो से, एक व दो जाने की जानते हो अभी फाई टोटल है, फाई टोटल बराबर कर लो यार, तो क्या आएगा एल आई बराबर क्या यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई एल इंटू आई इंटू ए आएगा, आई से आई कट जाएगा इसलिए एल का मान क्या आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू भैया ए आएगा यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल क्या है इसकी लंबाई है, एल एन क्या है इनके कुल फेरों की संख्या है, और अगर चाहोगे ना तो एल बराबर क्या आएगा एल बराबर अगर कुछ और लाना चाहेंगे आप ना एक काम और कर सकते हो, एक एल का गुणा यहां कर लो और एक एल का गुणा यहां कर लो, तो क्या आएगा म्यू नॉट ये आएगा एन बाई एल का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, इसका वॉल्यूम बन जाएगा एल बराबर क्या म्यू नॉट एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन स्क्वायर और वी बन जाएगा मित्रों। यह आपका बन गया क्या स्व प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित हमने कर लिया एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, जहां पे भी क्या है वॉल्यूम है परिनालिका का लंबाई गुणे एरिया वॉल्यूम होता है मित्रों, पाई आर स्क्वायर एच आई एल होता है ना जी। तो दो फार्मूले जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे फार्मूले हैं ना जो आप मतलब निश्चित तौर पे एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों। हम आ चुके हैं अंतिम से दूसरे वाले चैप्टर पर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, और हम आपके लिए रोज नए नए कंटेंट नए नए तरीकों से लेके आ रहे हैं क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ चुका है मतलब उसका डेट शीट आ चुका है और हमें राशन करना है ना, हम किसी मम्मी का पापा का दादा का दादी का मामा का मामी का नाना का नानी का सबका नाम राशन करना है मित्रों, और उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा और पढ़ाई करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या करने के लिए जानते हो पीछे का वीडियो सारा देख के आना पड़ता है, अगर पीछे आपने वीडियो नहीं देख के आए हैं ना तो देख के आ जाओ। ये वाला जो चैप्टर शुरू होने आ रहा है बहुत ही किफायती चैप्टर है और यहाँ पे बहुत सारे मतलब इयर्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं मित्रों, उसे क्लियर करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। शुरू करते आज के सवालों के सिलसिले को ताकि टाइम ज्यादा ना जाए और आप सीखने को पा जाओ। तो यहाँ पे पहला वाला जो सवाल दिख रहा है ना मित्रों, अगर देख रहे होगे यहाँ पर तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, कोई बात नहीं सर अगर हम बताएं आपको सॉल्यूशन ना इसका, तो कह रहा है अल्टरनेट कोई करंट है, कोई बात नहीं सर वो तो होता ही होता है ठीक है ना जी, आपको उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है उसके वर्ग माध्य मूल मान का, तो वर्ग माध्य मूल मान के बारे में जानते हो क्या होता है आई आर एम एस आपको निकालना है, और आई आर एम एस मतलब क्या होता है इसको हम बोलते हैं या क्या आई बराबर क्या जानते हो, पहले लगाएंगे स्क्वायर फिर लगाएंगे मीन फिर लगाएंगे रूट, ये होता है आई आर एम एस ही होता है मित्रों, यानी कि आई आर एम एस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर का मीन, पहले क्या लगाएंगे पहले स्क्वायर लगाएंगे फिर लगाएंगे मीन फिर लगाएंगे रूट, आपको निकालना ही है। अब करना क्या है मित्रों आई स्क्वायर का निकालना है आपको एवरेज ना, ये समीकरण नंबर एक बना लो अपना, क्या करना है हम बोलेंगे आई बिकॉज आई बराबर क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है यार, जान दो करना क्या है स्क्वायर कर दो भाई साहब, आई स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा ये आएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, और क्या आएगा आपको इसका निकालना एवरेज ना, तो हम बोलेंगे आई स्क्वायर का जो एवरेज होता है और यहां भी निकालना पड़ेगा एवरेज आई नॉट स्क्वायर का एवरेज इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लग जाएगा, और अगर आपको मैं एक बताऊं बात ना तो आई का स्क्वायर बराबर जानते हो ये बन जाएगा, देखो ये गुणांक यानी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है नॉट का स्क्वायर उसका मतलब कि जो एवरेज है वही आता है यार, तो यहाँ पे इसका एवरेज का मान होता है वन बाई टू, इसलिए हम बोलेंगे समीकरण एक से अगर समीकरण एक को देखा जाए ना तो जानते हो क्या आएगा आई जो आर एम एस है बराबर जानते हो क्या आएगा
ये आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या, यहाँ पे इसका मान रखो आई नॉट का स्क्वायर बाई टू, ये आपका ये दो आर है बाहर निकल जाएगा आई नॉट बाई रूट टू आ जाएगा, इसलिए क्या आई आर एम एस बराबर क्या बोलो आई नॉट बाई रूट टू होता है। और आप चार पांच नंबर गेन कर लोगे, लेकिन याद रहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है ना वो वन बाई टू होता है, और किसके लिए पूरे चक्कर के लिए, किसके लिए बोलो पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र माने क्या, अरे भाई प्रत्यावर्ती धारा पड़ रहा हो ना जी, ये ऐसे होता है ना ऐसे ये होता है यहां से उठना एक बार गिरना, ये होता है पूरा चक्कर आपका। और कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया है आई टेन रूट टू, आई नॉट का मान क्या दिया बोलो टेन रूट टू दिया है, तो धारा का वर्ग मूल मान क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या, चूंकि आई आर एम एस वर्ग मूल मान क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू होता है ना, आई नॉट का मान टेन रूट टू है, रूट टू कट जाएगा, ये आपका आएगा टेन एम्पियर। और हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट क्योंकि परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम हटाते हैं, चलते अगले वाले क्वेश्चन पर, देखो भाई क्या अगला वाला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखो सवाल नंबर दूसरा कह रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा वाटहीन धारा को परिभाषित कीजिए समझाइए। कोई बात नहीं सर, हम तो इसीलिए बने ही हैं, हम बोलेंगे चूंकि पी एवरेज का जानते हो फार्मूला क्या होता है आई, हमें काम करते हैं मतलब जानते क्या करते हैं भाई, एक काम करते हैं पी एवरेज बराबर निकालते हैं क्या होता है आई पी बराबर वी आई होता है ना, पर ऐसे करते रुको 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 देखो, चूंकि क्या होता है P जो एवरेज होता है ना वो क्या होता है आई वी इंटू आई होता है, मतलब नॉर्मल बात ही है V इंटू आई है, ठीक है ना, V बराबर क्या होता है V नॉट साइन ओमेगा टी मान लो, और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव मान लो, यानी दोनों में कलांतर कुछ ना कुछ है। मैंने क्या बोला P एवरेज का फार्मूला V I होता है नॉर्मली, V का समीकरण प्रत्यावर्ती के मैटर में V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और I के मैटर में I नॉट साइन ओमेगा टी नेगेटिव फाइव, यानी कि दोनों में कुछ कलांतर फाइव का है। कोई बात नहीं सर, अब करना है क्या जानते हो, अब यहां से बोलेंगे पी जो एवरेज होगा ना ये वी नॉट, और यहां पर क्या है अगर एक बात करें एवरेज लगा लो इनके ऊपर लगा लो, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे V नॉट I नॉट तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे साइन क्या है बोलो ओमेगा टी है, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी नेगेटिव फाइव है, यानी कि साइन ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी अपजंत माइनस साइन इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू क्या बोलो साइन बी होता है मित्रों। कोई बात नहीं यार, अब जान तो सबका लग जाएगा बार लग जाएगा, कोई बात नहीं, या हम क्या बोलेंगे जो पी एवरेज आएगा ना वो आएगा वी नॉट इंटू आई नॉट, और यहाँ पे देखो एक गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या कॉस फाइव, और माइनस क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू क्या साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाइव आएगा। पूर्ण चक्र के लिए है, पूरा लगा दो बार, हम क्या बोलेंगे पूर्ण चक्र के लिए आपको एक बात मालूम होना चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वन बाय टू होता है, एंड यहाँ साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है बोलो जीरो होता है, बस इतना जानना काफी है। हम बोलेंगे या इसलिए बोल दो क्या जो पी एवरेज आएगा ना मित्रों वो आपका आएगा वी नॉट इंटू आई नॉट, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होता है वन बाई टू, और ये क्या बोलो कॉस फाइव, और ये तो होता है जीरो, तो जानते हो पूरा हो जाएगा जीरो, तो हम बोलेंगे इसलिए जो पी एवरेज आएगा ना वन बाई टू वी नॉट इंटू आई नॉट, और क्या ये आपका कॉस फाइव आएगा। और मैं तो एक बात अगर पत्ते की बता दे आपको ना तो पी एवरेज बराबर बेटा हो जाएगा वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव, और मैं बोल दू ना तो पी एवरेज क्या ये देखो वी आर एमएस इंटू क्या आई आर एम एस कॉस फाइव होता है मित्रों, जहां पे कॉस फाइव क्या पावर फैक्टर माने होता है शक्ति गुणांक, क्या होता है बोलो शक्ति गुणांक होता है मित्रों कॉस फाइव, है ना जी, ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया, बहुत आसान होता है भाई साहब। पी एवरेज बराबर वी एवरेज इंटू आई एवरेज आपको लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मतलब वी का समीकरण आई का समीकरण, हालांकि यहाँ ध्यान देना कलांतर कुछ ना कुछ देना तभी आप यहाँ निकाल पाओगे, कलांतर नहीं देगा तो क्या आएगा, कलांतर जब जीरो कर दोगे तो जानते हो क्या आएगा, जब कलांतर जीरो कर दोगे तो मैक्सिमम पावर आएगा, कहा जीरो का मान
एक होता है। तो वीपी एवरेज का फॉर्मूला वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा, यहां तो प्रूफ हो गया। वाटहीन धारा क्या होती है, तो जिन परिपथों में देखो फाई का मान 90 आएगा, अगर मान लो यदि फाई का मान मतलब 90 आएगा तब क्या आएगा, तब जो पी एवरेज का मान है ना वो जीरो हो जाएगा। हम बोलेंगे ऐसे परिपथ जिनमें धारा और विमानांतर के बीच का जो कलांतर अगर 90 डिग्री होता है तो वहां पे औसत जो व्यय शक्ति है शून्य होती है, उसी परिपथ को हम क्या बोलते हैं वाटहीन परिपथ, या उस मतलब परिपथ में जो धारा बह रही होती है वाटहीन धारा कहलाती है। और धारा तो बह रही है लेकिन शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, ऐसे परिपथ जिनमें V और I यानी विभव और धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री का हो जाए, है ना, और तब उसमें क्या होता है जो P एवरेज होता है यानी शक्ति क्षय जो होता है औसत वाला वो शून्य होता है, अर्थात वहां धारा तो बहती है लेकिन शक्ति व्यय होने वाला नहीं है। ऐसे परिपथ को वाटहीन परिपथ बोलेंगे, और परिपथ में जो धारा बह रही है उसको बोलेंगे वाटहीन धारा। आपने समझ लिया, आपने इसका लेना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो क्योंकि मैं चेंज करने जा रहा हूं पेज को। अगला वाला जो सवाल करने जा रहा ना मित्रों, सवाल नंबर 3000, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। मित्रों एक बात जानो, पहले यह मिलता है LTR में, यहाँ पे मान लो इंडक्टर लगा है और यहाँ पे लगा है कैपेसिटर और यहाँ पे मान लो लगा है रजिस्टर, इसे बोलते हैं LTR परिपथ बोलते हैं। और LTR परिपथ में जानते हो, एक बार जान लो, एक बार अगर नहीं जानते जान लो, ये देखो क्या है, ये वाला आई नॉट है और ये क्या होता है बोलो वी नॉट, ये आर वाला है ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे क्या आता है, ये आता है वी नॉट सी आता है और ऊपर क्या आता है वी नॉट एल आता है। कैसे आता है मैं तुमको बता रहा हूं साहब, देखो इसमें क्या होता है शुद्ध वाले प्रतिरोध वाले परिपथ में क्या होता है, जिसे शुद्ध ओमीय बोलते हो, धारा विभव वाली यज्ञ कला होती है। लेकिन आप अगर आ जाओ धारती वाले यानी कि सी वाले में आ जाओ तो यहाँ पे धारा विभव से 90 डिग्री आगे होती है, वो भी आ गया। और अगर आप इंडक्टर वाले में आ जाओ तो यहाँ पे धारा विभव से 90 डिग्री पीछे होती है, ये तो हो गया ना। हम बोलेंगे अनुनादी श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ तब कहलाएगा, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए हम क्या बोलेंगे जानते हो, हम बोलेंगे अगर वी नॉट एल बराबर जो वी नॉट सी है ना, तो हम क्या बोलेंगे ये अगर ये बराबर हो जाएगा जो परिपथ है वो कहलाएगा श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखे वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे LTR परिपथ में जब V नॉट L बराबर V नॉट C हो जाए तो पूरे परिपथ में केवल फिर आपका प्रतिरोध होता है, इसे हम इसे बोलते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। मित्रों अच्छा बोलो V नॉट क्या, V नॉट L बराबर क्या I नॉट XL और एक क्या I नॉट XC, I नॉट कट जाएगा, XL बराबर क्या ओमेगा L और XC बराबर क्या 1/ओमेगा C ठीक है ना। अगर मैं ओमेगा को यहाँ भेज दूं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 1/LC हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। अच्छा बताओ जरा ओमेगा बराबर क्या आएगा, ये आएगा 1/√ में LC आएगा ठीक है ना जी। और हम बोलेंगे चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, यहाँ पे 2πf बराबर यहाँ पे क्या 1√ में LC आएगा, या फिर हम क्या बोलेंगे एफ बराबर 1π/√ में LC होगा। ये होता है हमारा क्या श्रेणी अनुनादी परिपथ चाहता है अनुनादी आवृत्ति, यही होती है मित्रों, यह क्या बोलो अनुनादी आवृत्ति है। और हमने इनको भी खत्म कर लिया, कोई बात नहीं सर, 5-5 नंबर हम क्लियर करते जा रहे हैं आगे। तो इस सवाल नंबर 3 भी आपका खत्म हो गया यार, आज जल्दी से इसी सवाल ले लो आराम से ना, याद रहे धारती वाले धारा आगे होती है, माने धारा कर लो यार आगे होती है, प्रेरकी वाले धारा पीछे होती है 90 डिग्री मित्रों, और इस वाले तो जैया इक्के और जाता है आई नॉट वी नॉट आर ठीक है ना। सवाल नंबर 3 खत्म होता है, मैं चलता हूं आपको लेके सवाल नंबर 4 के ऊपर। सवाल नंबर 4 कह रहा है LTR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए, श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ तो पीछे तो बनाया था ना मित्रों वही वाला, ये देखो ना ये आपका आई नॉट है और ये क्या बोलो ये वी नॉट आर है, और यहाँ पे क्या होता है बोलो ये वी नॉट सी होता है, और यहाँ पे क्या होता है बोलो वी नॉट एल होता है, बन गया यार। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करो, वो तो कर लिया यार। और यहाँ पे देखो अथवा लिखा, अथवा वाले सवालों करने कोई मतलब नहीं बनता है, अगर आप सवाल जान दो सब घूम फिर के वहीं से आ रहा है, देखो भाई वही यहाँ भी कह रहा है, देखो वही यहाँ भी कह रहा है ठीक है ना।
तो आपने यह सवाल पीछे लगाया है यार। मैंने कहा ना बहुत दफा ऐसे सवाल पूछे गए हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं समझ में अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोल दो यस सर आ रहा है, जिससे मैं आपके लिए थोड़ा सा और मजेदार वीडियो ला सकूं, और हाँ ध्यान दो और मजा ला सकूं यार। अरे देखो आपका जो अगला वाला सवाल है, प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध याद कीजिए। अरे भाई साहब देखो होता है क्या है साहब, जानते होता क्या है, ये होता है वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नॉट वाई रूट टू होता है। कोई बात नहीं सर, तुम भी जानते हैं यार, यही आपको लेके आना है ना। तो पहले आप बताओ जरा वी आर एम एस मतलब क्या होता है, वी आर एम एस मतलब जानते हो क्या होता है, पहले v का स्क्वायर मीन करेंगे रूट लगाएंगे ठीक है ना, ये होता है रूट, देखो स्क्वायर पहले होता है फिर मीन होता है फिर रूट होता है मित्रों। हम बोलेंगे चूंकि v बराबर क्या होता है, बोलो v नॉट साइन ओमेगा t होता है, हम बोलेंगे इसलिए जो वी आर एम एस आएगा ना वो आपका आएगा या स्क्वायर रूट में क्या आएगा, v नॉट साइन ओमेगा t पूरे का लगा दो बार है ना जी। और एक बात और जान लो, हाँ लेकिन स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा या जो वी आर एम एस है वो क्या आएगा, ये देखो v नॉट का स्क्वायर का एवरेज लगा दो और साइन स्क्वायर ओमेगा t का लगा दो एवरेज लग जाएगा, या हम क्या बोलेंगे जो वी आर एम एस है ना वो आपका देखो v नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है यार, देखो यही होता है v नॉट, ये देखो यही होता है v नॉट आपका, यही आई नॉट बनता है उसी के हिसाब से अगर I का हो तो धारा का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v नॉट बाहर निकल जाएगा और ये क्या आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज पूरे साइकिल के लिए पूरे चक्र के लिए क्या होता है मित्रों जानते हो 1/2 होता है, ये क्या आएगा v नॉट बाय 2 नहीं आ जाएगा ये v आर एम एस। अरे भाई 1 का रूट तो 1 ही आएगा और रूट 2 नहीं बन जाएगा, ये आपका क्या है बोलो, ये आपका वर्ग माध्य मूल मान हो गया, वर्ग माध्य मूल मान, और जानते हो ये आपका क्या है, ये आपका शिखर मान है, और जानते हो दोनों के बीच हमने फार्मूला प्रूव कर लिया है मित्रों है ना जी। छोटा सा है यार, यही तो मैंने बोला पूरे साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है 1/2 होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होता है, कॉस ओमेगा टी का आपका होता है 0, साइन ओमेगा टी का मान होता है 0। अगर आपको याद है ना चार, तो आप जानते हो प्रत्यावर्ती धारा की ऐसी की तैसी यार सारे फार्मूले प्रूव कर लोगे, और मेरे हिसाब से पांचवा आपका सबसे अंतिम फार्मूला था और हमने प्रूव कर लिया पांचों फार्मूलों को जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार एग्जाम में आने वाले होते हैं मित्रों। अगर आपने प्रूव कर लिया समझ में आ गया तो आपसे मैं मिलूंगा अगले वाले वीडियो में, और आप टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करिए, इतना शांति से धैर्य पूर्वक पढ़ाई पे जाने दीजिए मित्रों। मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो में ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।